हाँ ए की वैल्यू प्लस जी, अगर पूरा समय निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट। अब देखो पहली कंडीशन क्या है, पहले वाले पार्ट में क्या निकालना है, टाइम एंड स्पीड। तो भाई ये तो हमें कंफर्म है, पता है। पहले वाले केस के लिए डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा प्लस का 100। प्लस का 100 क्यों समझ में आया, समझ में आया ना, नीचे को डिस्प्लेसमेंट होगा। यहां से डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, नीचे को है, पॉजिटिव मान रखी है। अब तो चाहे तो पहला सेकंड इक्वेशन लगा लो, समय निकल के आ जाएगा। सब सेकंड इक्वेशन पॉजिटिव लगाओ, कैसे आया, है पॉजिटिव पॉजिटिव ही कैसे तो आया। आएगा, यहां से नीचे को जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है, नीचे की डायरेक्शन में। मैंने नीचे को पॉजिटिव माना हुआ है, उलझन यहां मान रखा है, यहां से सारी मेजरमेंट ले रहा हूं और नीचे को पॉजिटिव माना हुआ है, ठीक है। ओके सर, अब दूसरा तरीके से भी करके बता दूंगा, अगर मैं ऊपर को पॉजिटिव लेता हूं तो क्या सिनेरियो होगा। देखो तो अब इसमें आप चाहे तो कौन सा लगा लो, सेकंड इक्वेशन लगाओगे समय आएगा, थर्ड इक्वेशन लगाओगे वो आ जाएगा। कितना है, यूटी प्लस हाफ, प्लस का जी है यानी प्लस का 10 है, अरे 10 लिख देते हैं, टी स्क्वायर। ये आ गया समय, कितना निकल के आके यहाँ से, √20, √20 निकल के आ गया, 2√5 आ गया आपका, ठीक है। फिर क्या है, स्पीड निकालनी है, स्पीड निकाल लो। स्पीड आप चाहे तो U+AT लगा लो, U+A(√5), चाहे तो सेकंड इक्वेशन से ही कर लो, तो 20√5 आ जाएगी। बताओ कितना यहां तक सबको क्लियर है। अब वेरिएशन देखो, आप क्या करो, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो ना। हमने अगर मान लो मैंने ऊपर को पॉजिटिव बना दिया, ओरिजिन ही लिया है, ऊपर को पॉजिटिव बना दिया, तो यू तो जीरो होगा, ए माइनस का जी लोगे। तो ध्यान देना, सब आप पर डिपेंड करता है कहां को क्या पॉजिटिव मान रहे हो। अगर आपने शुरू में अपनी नोटेशन ऐसी ले ली है, कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा ले लिया है, अब ऊपर को पॉजिटिव मान रहे हो, तो ए तो आपका माइनस का जी पुट हो जाएगा, ए हो जाएगा माइनस का जी। डिस्प्लेसमेंट जो करोगे वो माइनस का 100, ऑटोमेटिकली आपके आंसर आ जाएंगे। लेकिन एक चीज है, एक चीज है, अब जो वेलोसिटी आएगी यहां पर वो माइनस के साथ आएगी। क्यों आएगी, समय के लिए सॉल्व करोगे, समय के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, देखो जरा, ये और ये दोनों माइनस के हैं, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, कोई एस कैसे दिक्कत नेगेटिव आ नहीं। क्यों सकता है? नहीं आ सकता, एस डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। बताओ, अब ओके सर, समझा। कैसे, समझ में आई बात, जो आपने हाँ नाइन्थ सर, क्लास में पढ़ा है उसको हटाओ चीजों को, या फिर उसी में देखो क्यों करते थे आप में, क्योंकि भाई सब कुछ नीचे को होना है। यहां से यहां पर ओरिजिन मानो, नीचे को पॉजिटिव मान लो, ये आपके लिए बेस्ट सिनेरियो है। अगर आपने मान लो ऊपर को पॉजिटिव मान लिया है, तो क्या चेंजेस आ जाएंगे, चेंजेस ये आएंगे, यू जीरो हो गया, ये तो होना ही है, एक्सलेशन माइनस का जी फुट होगा, अब डिस्प्लेसमेंट माइनस का 100 होगा। क्यों, डिस्प्लेसमेंट होना नीचे को, आपने ऊपर को पॉजिटिव माना हुआ है, एक्सलेशन नीचे को है, आपने ऊपर को पॉजिटिव माना हुआ है माइनस का। अब जब गिरेगा तो वेलोसिटी नीचे को ही आएगी, तो वेलोसिटी नेगेटिव बन के आ जाएगी, देखना आएगी इतनी, लेकिन नेगेटिव के साथ आ जाएगी। तो क्या इंक्लूड कंक्लूड हो जाएगा, नेगेटिव साइन का क्या कंक्लूजन मिलेगा, कि नीचे को है वेलोसिटी, बस, और कोई कंक्लूजन नहीं है, क्योंकि ऊपर को पॉजिटिव है तो नीचे को आ रहा होगा। करोगे ना यहाँ पे पुट, v इज इक्वल टू यू प्लस हाँ एटी सर, करोगे, समझ गया, वो सब आई समझा बात समझ, ठीक सर। तो फिर आप है। वेलोसिटी नेगेटिव होगी क्या पॉजिटिव? अरे तुम्हें समझ में आ गया ना, 20√5 हो आएगा, नेगेटिव साइन का क्या मतलब है, कि नीचे को होगी बस, ठीक है। आपके ऑप्शन में लिखा आएगा 20√5 डाउनवर्ड, और ऐसा कोई मूर्ख इंसान नहीं होगा जो जब वो यार जमीन पर गिर रहा होगा तो कोई ऐसा थोड़ा ना बोलेगा 20√5 ऊपर को आ रही है, नीचे को ही तो गिरेगा, ठीक है। मेरे ख्याल से ये वाला पार्ट हो गया होगा। अब हम आते हैं अगले पार्ट पर, ये देखो उसके बाद अगला पार्ट क्या है, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ होल जर्नी। ये भी बहुत आसान पार्ट है, एवरेज वेलोसिटी पूरे रास्ते में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो मैं वी प्लस यू बाई टू क्यों ना लगा लूं, वी प्लस यू बाई टू क्यों ना लगा लूं। वी कितना है, मैं ये वाला नोटेशन चल रहा हूँ, ये वाला चल रहा हूँ, ये वाला लेके नहीं चल रहा हूँ, इसके हिसाब से चल रहा हूँ मैं, ठीक है।
इसको अभी के लिए कौन करो, दिस कैन ऑल्सो बी अप्लाइड। ये वाला लेके चलते हैं। v की वैल्यू कितनी है, 20 root 5 प्लस 0/2। ठीक है, चाहे ऐसे निकाल लो, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी निकालनी है आपको, एवरेज वेलोसिटी का ये फॉर्मूला होता है, चाहे तो बेसिक डेफिनेशन होती है एवरेज वेलोसिटी की, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट प्लस का 100 है, समय कितना ले लिया उसने, 2/5। आंसर सेम आएगा, 10/5 ही तो आएगा। ये भी चेक कर लो, चाहे तो रूट फाइव से ऊपर नीचे कर लेना मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 10। हाँ, 10/5। यहाँ से भी कितना आ रहा है, यहाँ से भी 10/5 ही आ रहा है। देखो ये तरीका हमेशा वैलिड है, ये तभी वैलिड है जब आपको कंफर्म होगा कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, जो कि इस केस में है, पूरे रास्ते में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हाइट से फेंक देना बिल्डिंग की हाइट, ऐसा मत कर देना कि आप 1000 किलोमीटर बना दी। अगर 1000 किलोमीटर की बिल्डिंग बनाओगे, उसको ऊपर से फेंकोगे, तो जी में वेरी, जी की वैल्यू वेरी करती है। ठीक है, अर्थ सरफेस के नीचे जी की वैल्यू ज्यादा रहती है, जितना अवे जाओगे अर्थ से उतनी कम हो जाती है। तो हमारे लिए जो मैकेनिक्स में, यहाँ काइनेमेटिक्स में जो बातें हैं, हम जी को कांस्टेंट लेके चलते हैं, कांस्टेंट नहीं हुआ तो, कांस्टेंट नहीं हुआ तो आपको दो लेक्चर का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद हम वो वाले क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, दो लेक्चर के बाद। अरे आगे बात समझ में क्या है फिर, स्पीड एंड टाइम व्हेन इट वाज, ये जब वो 50 मीटर, 50 की जगह कुछ और कर लेते हैं, देखो 50 की जगह 60 मीटर अबव ग्राउंड बोलते हैं, क्योंकि 50 से कुछ आपको दिक्कत आएगी। दिक्कत क्या आएगी मैं बताता हूँ, आपको क्लियर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, लास्ट पार्ट करते हैं, चलो। स्पीड एंड टाइम, जब वो 60 मीटर अबव ग्राउंड था, जब वो 60 मीटर अबव ग्राउंड था, ठीक है, 60 मीटर बना लिया मैंने, 60 मीटर अबव ग्राउंड, तो यानी वो चल कितना गया है, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 40 meters प्लस का, ठीक है ना, नीचे को आ रहा है, हम ये वाले के हिसाब से चल रहे हैं, हमने नीचे को पॉजिटिव माना हुआ है। ठीक है, तो बस अपना क्या है, अब पुट कर लो, हमें क्या निकालना है, स्पीड और समय, सेम तरीका है, 40 पुट करो, u 0 है, a प्लस का 10 हो गया आपका, s की वैल्यू प्लस की 40 हो गई। ठीक है ना, पहली इक्वेशन निकालो, सॉरी सेकंड, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाओ, यहां से t निकल जाएगा, एक ये लगाओ, एक अब उसके बाद पहली लगानी है या आखिरी लगानी है, उससे v निकाल लो, हो जाएगा ना। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा तो, अरे कह तो रहा हूं भाई, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं हुआ, दो लेक्चर का वेट करो, उसके बाद वो भी आ जाएगा। सर नहीं, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो तुम ये प्रॉब्लम कर ही नहीं पाओगे अभी। ठीक है, जरा सब्र करो, पहुंचेंगे वहां तक भी। तुम्हारी अभी एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन में बैंड बज जा रही, तुम्हें वहां समझ में नहीं आ रहा, जब एक्सेलरेशन वेरी करेगा तो और अच्छी बैंड बजेगी भाई तब तो। ठीक है, अभी तो सिंपल ये वाले प्रॉब्लम करो जो आपने 9th क्लास में करी थी। सर 2/2 आंसर है, पता नहीं यार, कर लो सॉल्व, सबका 2/2 आ रहा क्या समय? हां सर 2/2 आ रहा। हां सर ठीक है, तो 2/2 होगा। स्पीड कितनी आ रही है, स्पीड आ जाएगी 10/2। देखो ना, कुछ गड़बड़ करती मैंने, 20 root 80 आएगा ना, 20 root 2 आ जाएगा। पहली क्वेश्चन लगा लो, सही है भाई सबका, किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। नो सर। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में आते हैं फिर।
अब हम क्या करेंगे, अब हम पत्थर को फेंकेंगे, ऐसी कुछ प्रॉब्लम लेते हैं, ठीक है, एक टावर है 100 मीटर, फिर से वही है, यहां से पत्थर को ऊपर को फेंक दिया, यहां से ऊपर को फेंक दिया है मान लो 20 मीटर पर सेकंड से, ओरिजिन कहाँ पे है? ये तो तुम्हारी मर्जी है जहां पर लेना है, बेस्ट रहता है जहां से फेंका गया है, हमेशा जहां से फेंक रहे हो पत्थर को पार्टिकल को वहीं पर ओरिजिन बनाया करो, पॉजिटिव नेगेटिव आपके हाथ में, ऊपर को लेना है कि नीचे को लेना है सब आपके हाथ में, कहाँ को लेना चाहोगे इसको, ऊपर को लेना है कि नीचे को लेना है? ऊपर को, ऊपर को, ऊपर को, ऊपर को ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बताओ, कोई डाउट है क्या? आपसे पूछेगा क्या क्या, क्या क्या पूछ सकता है बताओ, क्या क्या ख्याल आ रहे हैं इसमें, क्या क्या पूछ सकता है? फाइनल ग्राउंड को कब स्ट्राइक करेगा, ग्राउंड को कब स्ट्राइक करेगा पहली प्रॉब्लम, और मैक्सिमम हाइट पूछ सकता है, तीसरी प्रॉब्लम वेलोसिटी रीच एट ग्राउंड लेवल, वेलोसिटी एट ग्राउंड, ठीक है, और एवरेज पूछ सकता है हाइट पे सर, किसी हाइट पे स्पीड और वो वेलोसिटी पूछ लेगा, समय पूछ लेगा, यही सब प्रॉब्लम्स है। देखो बेसिक क्या है, अपने पास तीन इक्वेशन है, ठीक है, तीन इक्वेशन से हमारा सारा कुछ होना है, प्रॉब्लम को समझना है। हाँ भाई, आपने अगर मान लो ओरिजिन बना दिया ऊपर, जो कि आपको बनाना भी चाहिए, ऊपर ही बना लो, जहां से फेंक तो वहीं पर ओरिजिन बना लिया करो, और एक डायरेक्शन पॉजिटिव, कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव मान लो, आप ऊपर को मान रहे हो अगर पॉजिटिव, सही बात भी है, क्यों? क्योंकि इस बार हमारे पास ऊपर को मेजर करने को चीजें हैं, पहले क्या था ऊपर को तो कुछ था ही नहीं, तो हमने इसलिए नीचे को पॉजिटिव मान लिया था, ऊपर को भी पॉजिटिव मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमारे लिए क्या हो गया, सबसे पहले तो यू हमारा प्लस का 20, यू हमारा प्लस का 20, पार्टिकल ऊपर जाए, ऊपर जाके नीचे आए, कुछ हो जाए, एक्सलेशन हमेशा नीचे को है, एक्सलेशन हमेशा नीचे को है तो माइनस का जी, ठीक है, एक्सलेशन हमेशा नीचे को है तो माइनस का जी, कोई दिक्कत इसमें? तो ये चीज तो फिक्स है, बाकी बाकी जो पूछ रहा है उसके हिसाब से हमें कंडीशन लेके सॉल्व करना है। एस भी तो -100 होगा ना, अब वही तो मैं कह रहा हूँ, प्रॉब्लम क्या है, पहली प्रॉब्लम है टाइम एंड स्पीड वाली, अगर टाइम एंड स्पीड एट ग्राउंड, टाइम एंड स्पीड एट ग्राउंड, अब इधर को आ जाते हैं, ये देखो, ठीक है, मान लो ये दे दिया उसने, तो इसके लिए अब यहां से अगली कंडीशन क्या आएगी, ये तो हर हर क्वेश्चन में ये वैलिड है, इसके आगे जो पूछेगा इसके लिए कंडीशन क्या आएगी, कंडीशन ये है कि एस की वैल्यू माइनस का 100 हो जाएगी। किसी को साइन में कहीं दिक्कत है तो बता दो भैया, एस की वैल्यू माइनस 100, एस होता है डिस्प्लेसमेंट, जो ऊपर गया वाप नीचे गिरेगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, माइनस का 100, ठीक है, डायरेक्ट समय निकल के आ जाएगा, आपको ऐसा नहीं करना ऊपर जाओगे फिर वहां से नीचे का अलग से देखोगे, तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, एस बहुत पावरफुल शब्द है, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट डालो माइनस का 100, कहानी खत्म, ठीक है, ये आया, एक बार ये पता चला, अब सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, माइनस 100 इज इक्वल टू 20 इंटू टी प्लस हाफ माइनस 10 इंटू टी स्क्वायर, सबके जीरो जीरो उड़ा दो, टू से मल्टीप्लाई भी कर दो, तो माइनस 20 इज इक्वल टू 40 माइनस टी स्क्वायर, यानी टी स्क्वायर माइनस 40 माइनस 20 इज इक्वल टू जीरो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, बनेगी, सही बात है। इसके दो आंसर आएंगे, एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा, मैं भी बता सकता हूँ, इसका एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा, इसके कर सकते हो, इसके 20 बनाना है तो कितना आएगा, ये बन रहा है डायरेक्ट नहीं बन रहा ना, तो लगाओ अपना मेथड सिद्धाचार्य, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 × 8 अपॉन 2a, कितना आ गया 96, 96 को कितना लिख सकता हूँ, 16,
16 इंटू 6 तो हो जाएगा 4 प्लस माइनस 4 रूट 6 अपॉन 2 जो कि आ गया 2 प्लस 2 रूट 6 और 2 माइनस 2 रूट 6। अब एक बात बताओ, ये वाली चीज तो नेगेटिव आ गई तो ये तो हो गई कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या आया है, समय हमारा आ गया 2 प्लस 2 रूट 6। अब जरा ध्यान दो इसका क्या मतलब है 2 माइनस 2 रूट 6 का, इसका ये मतलब है कि अगर देखो इक्वेशन को थोड़ा ना पता है कि मोशन यहां से चालू हो रखा है, समय को थोड़ा ना पता है, आपने तो डिस्प्लेसमेंट माइनस 100 कर रखा है, क्या कंडीशन डाली है डिस्प्लेसमेंट माइनस 100, तो ये ऐसे गया ऐसे करके वापस आया, ठीक है, तो ये ऐसे करके आया, अगर ये ऐसे ही करके पीछे करोगे ना इसको एक्सटेंड करोगे, अगर ये बॉटम से चला होता जैसा मोशन आपको दिख रहा है, जैसा मोशन ये फॉलो कर रहा है ऊपर जाके नीचे आना, उस पैटर्न को पकड़ के हमने इक्वेशन लिखी, उस पैटर्न के हिसाब से ये इतना समय पहले जो नेगेटिव वैल्यू आई है, इतना समय पहले वापस यहीं पर होता है, ग्राउंड पे होता, ठीक है, ये नेगेटिव वैल्यू का ये मतलब होता है। पॉजिटिव वैल्यू का तो ठीक है ये घूम के ही आया, नेगेटिव वैल्यू का क्या मतलब है, अगर ये पूरा मोशन ऐसे ही फॉलो हो रहा होता तो ये इतना समय पहले यहां पर होता, ग्राउंड पे होता है। आपने कंडीशन डाला कि माइनस सौ दो टाइम पर आएगा, एक तो जो एक्चुअल आएगा, एक अगर इसको ऐसे ही मैं फॉलो कर रहा होता तो कितना समय पहले होता है यहाँ पर, ठीक है, समझ में आया बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आया समय नेगेटिव आ रहा नेग्लेक्ट करो खत्म हटाओ कोई टेंशन नहीं लेना, क्लियर है बात, ठीक है, पॉजिटिव आया ये हो गया। अब इसके बाद इस वेलोसिटी तो आप निकाल ही लोगे, v is equal to u plus 80 minus 10 into 2 plus 2 root 6, सिंप्लीफाई कर लेना, करना होगा तो थोड़ा सा, ठीक है, कॉन्सेप्ट देखते जाओ क्योंकि मैंने डेटा ले रखा है रैंडम, अगला पार्ट ये है, हाँ भाई हर्षल ये बताओ ये हाईएस्ट पॉइंट कितने समय में पहुंचेगा बिना पेन चलाए, ये हाईएस्ट पॉइंट कितने समय बाद पहुंच जाएगा, 5 सेकंड है, 5 सेकंड हर्षल, हाँ सर, कितने समय बाद ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा बिना पेन चलाए बताना है, 5 सेकंड सर, क्यों 5 सेकंड के बाद सर, इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है, हाँ तो और डिस्प्लेसमेंट तो वो है ना सर, हाँ सर 2 सेकंड, 2 सेकंड कितनों को समझ में आ गया, 2 सेकंड के बाद हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, हाँ सर, बिना पेन चलाए, अरे यार कल ही बताया था एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी ऊपर को है एक्सेलरेशन नीचे को है, तो 10 के रेट से खत्म करेगा 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड कम कर देगा, तो 20 को खत्म करने में 2 सेकंड लेगा। अब आते हैं दूसरा पार्ट पर, इसके दूसरे ये वाला हो गया सबका समझ में आ गया ना, हाँ सर, सर बस वो नहीं समझा कि आपने वो माइनस वाला क्यों नहीं लिया, माइनस समय नेगेटिव नहीं हो सकता, बस सिंपल रख लो फटाओ यार, ठीक है, मैं एक आधे बार आगे की प्रॉब्लम में समझा दूंगा, 2-3 बार समझा दूंगा आगे की प्रॉब्लम में मिलेगा हमें, समय नेगेटिव भी आएगा और नेगेटिव वैल्यू का सिग्निफिकेंस मैं आगे भी बताऊंगा, आ जाएगा धीरे धीरे क्लिक करेगा, अभी के लिए समझ लो कहीं नहीं पूछा जाएगा नेगेटिव क्यों है, लेकिन मैं बता दूंगा आपको बाद में फिर से और कि आगे देखेंगे उसको। दूसरा इसी में दूसरा पार्ट क्या है, आपसे पूछेगा मैक्सिमम हाइट एंड टाइम टू रीच मैक्सिमम, कंडीशन क्या है v को जीरो करना, अब पहली इक्वेशन में v को जीरो करोगे, a कितना है u कितना है प्लस 80 माइनस
देखो समय 2 सेकंड आ गया, ठीक है, ये प्रॉब्लम आपकी ओरल होनी चाहिए। कितनी हाइट आएगी मैं ऐसे ही बता सकता हूँ, पहले मैंने क्या किया, मैंने दिमाग में कैलकुलेट किया 2 सेकंड, ठीक है, अब कितनी हाइट आएगी, तो क्यों ना मैं वो लगा दूं एवरेज, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 + 20/2, 0 + 20/2 यानी 10 आ गई, एवरेज वेलोसिटी 10 है, इनटू टाइम कर लो 2, तो 20 मीटर ऊपर जाएगा ये, बताओ समझ में आई बात, क्या किया मैंने, एवरेज वेलोसिटी वाला फॉर्मूला लगा के मैंने पूरी प्रॉब्लम को ओरल कर डाला, ये प्रॉब्लम में कहीं पेन नहीं चली मेरी, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो एस निकालने के लिए क्या करो, वी को 0 रखो थर्ड इक्वेशन में, इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर + 2 × a × s, एस की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 400/20, 20 आ गया, बताओ समझ में आई बात, एस प्लस का 20 आ रखा है, डिस्प्लेसमेंट जो है प्लस का 20 आया मतलब ऊपर को गया है, हमने ऊपर को पॉजिटिव माना है, सही बात है, हमारा डिस्प्लेसमेंट प्लस का आना चाहिए था। मैं इस प्रॉब्लम को देख के, अब ऑब्जर्वेशंस देखो, 2 सेकंड ऊपर जाने में लेगा ये बिल्डिंग से, 2 सेकंड ऊपर जाने में लेगा, फिर 2 सेकंड के बाद इसी लेवल पर आ जाएगा, 2 सेकंड के बाद इसी लेवल पर आ जाएगा, मतलब टोटल कितना समय हो गया, 4 सेकंड, 4 सेकंड, ठीक है, 4 सेकंड में मैं गारंटी दे सकता हूँ s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर में, e को 4 पुट करो s 0 आएगा, e को 4 पुट करना s 0 आएगा। सर आपने वो सेकंड किया वो क्या था, क्या से क्या कर रखा है, v इक्वल 2 सेकंड के बाद जो आपने किया, तो ये मैंने थर्ड इक्वेशन लगा दी ना, v स्क्वायर इक्वल टू, मैंने एवरेज वेलोसिटी से नहीं चला, एवरेज वेलोसिटी से चलना है, एवरेज वेलोसिटी या कितने तरीके बताऊं, बताओ एवरेज वेलोसिटी वाला कांसेप्ट लगाना है, उससे भी चल सकते हैं हम, 0 + 20/2, ये होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो टाइम आ गया आपका, डिस्प्लेसमेंट आ गया आपका 20 मीटर, बताओ क्लियर है, एवरेज वेलोसिटी वाले फॉर्मूले की जरूरत भी नहीं है वैसे, लेकिन मैं उसको इस्तेमाल करना सिखा रहा हूं, वो चीजों को आसान कर देता है थोड़ा, ठीक है। अब जरा इसको देखो, 20 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड ऊपर गया, 2 सेकंड नीचे आया, टोटल टाइम क्या हो गया, क्योंकि हम तो पूरा एक ही को लेकर चलेंगे, हम तो पूरा सब कुछ एक लेकर चलेंगे, तो हमारे लिए 4 सेकंड हो गया, तो 4 सेकंड के बाद मैं गारंटी कह रहा हूं, अगर पहले इक्वेशन में पुट करोगे v = u + at में, तो जो v निकल के आएगा वो माइनस का 20 आएगा, 4 सेकंड के बाद, सब लोग फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है, कौन सा देखते जाओ, यहां से फेंका हुआ है ये बिल्डिंग है, यहां से फेंका हुआ है, 2 सेकंड में ऊपर गया, 2 सेकंड में नीचे आया, ठीक है, तो टोटल टाइम कितना हो गया यहां से यहां तक का, 4 सेकंड, 4 सेकंड पहली इक्वेशन में पुट करोगे, 4 सेकंड पहली इक्वेशन में पुट करोगे, मैं गारंटी बोल सकता हूँ 20 से फेंका है 20 हो जाएगी, माइनस का 20 आएगा आंसर आपका, करके देख लो चाहे तो, ठीक है, पहली इक्वेशन में। मैं सेकंड इक्वेशन में समय को 4 सेकंड, सेकंड इक्वेशन में समय को 4 सेकंड पुट करता हूँ, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 आएगा, मैं भी देख लेना, सेकंड इक्वेशन में पुट करके देख लो, टी को 4 पुट करके देखो, डिस्प्लेसमेंट 0 आ जाएगा, ठीक है। थर्ड इक्वेशन में पुट करो, कोई फायदा ही नहीं है, सब कुछ तो पता चल गया हमें, एवरेज वेलोसिटी 0 आएगी, सही बात है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया है, या फिर आप ये कह सकते हो 20, और ये जब घूम के आया होगा -20, तो v प्लस यू बाई 2 लगाओगे तो 20 - 20/2 हो जाएगा, वहां से भी 0 आएगा, या फिर सिंपल एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, बाई डेफिनेशन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, पता है डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाना है। अगली प्रॉब्लम, अगर समय 4 सेकंड से ज्यादा हुआ, 4 सेकंड से ज्यादा हुआ लेकिन इससे कम है, तो 4 सेकंड से ज्यादा हुआ तो मैं एक चीज तो कंफर्म कर सकता हूं, मेरा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आएगा, 4 सेकंड से अगर ज्यादा समय हो गया, मैं एक चीज कंफर्म बोल सकता हूँ, मेरा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि वो अपने पॉइंट को क्रॉस कर चुका होगा, नीचे को आ गया होगा, तो अब वो डिस्प्लेसमेंट नीचे को आएगा, हमने ऊपर को पॉजिटिव माना हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए। ये सब चीजें दिमाग में रखना, जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो देख, उसको देख लिया करो क्या सही आ रहा है क्या, तो जो चीजें बता रहा हूँ ये सब साइन के लिए बता रहा हूँ क्या क्या होता है। अब 4 सेकंड से पहले मैं बात करूंगा, 4 सेकंड से मैं पहले की बात करूंगा तो मेरा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव रहेगा, कंफर्म है ना, 4 सेकंड से पहले
ये ऊपर जाके यहां तक आ रहा है, अब वो चाहे ऑनवर्ड जर्नी हो या रिटर्न जर्नी हो, डिस्प्लेसमेंट ऊपर को ही आएगा, पॉजिटिव रहेगा। अब मैं बात करता हूं वेलोसिटी के साइन की। दो सेकंड से पहले वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी, दो सेकंड से पहले 0.5 सेकंड पर निकालो, 1 पर निकालो, 1.2 निकालो, 1.3 निकालो, 1.9 निकालो, कोई दिक्कत नहीं, वेलोसिटी प्लस की आएगी। ठीक है, दो सेकंड के बाद अगर आपने वेलोसिटी कैलकुलेट करी, उसका डाउनवर्ड मोशन चालू हो गया, तो वेलोसिटी नेगेटिव आने लग जाएगी। ये गया यहां से, यहीं से जहां से टर्न बैक किया वहीं से वेलोसिटी नेगेटिव आना चालू हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट भले ही पॉजिटिव आ रहा है, अभी डिस्प्लेसमेंट 4 सेकंड के बाद आएगा नेगेटिव, वेलोसिटी आपकी ये आने लग जाएगी, वेलोसिटी 2 सेकंड के बाद नेगेटिव हो जाएगी। इतना क्लियर है सबको? हाँ सर। यस सर। चलो बढ़िया है। अभी 2 सेकंड के बाद जो वेलोसिटी होगी वो -20 होगी ना? 0, 4 सेकंड के बाद -20 होगी। ओके सर। यहाँ से अगर देख रहे हो मोशन, यहाँ से देख रहे हो 2 सेकंड के बाद तो 0 होगी ना? हाँ सर। हाँ सर। फिर वहां से 2 सेकंड के बाद, तो ओवरऑल आप ब्रेक नहीं करोगे, क्योंकि क्वेश्चन में ब्रेक करके नहीं आता, वो कहेगा आपसे 4 सेकंड के बाद वेलोसिटी बताओ, तो आपका -20 अभी ऊपर को है, तो बगल बिल्कुल सेम लेवल पर रीच कर गया होगा और नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी आ गई। ठीक है। अच्छा मैं पूछता हूं आपसे, अच्छा ये समय कितना आएगा लगभग? √6 कितना होता है? 2.45 है ना? 2.45 का दुगना करोगे लगभग 5, 5 + 2 = 7, लगभग 7 के राउंड समय आ रहा है। अगर मेरे को जानना है कि 5 सेकंड पर क्या वेलोसिटी है, बिना पेन चलाए एग्जैक्ट वैल्यू बता दो मेरे को, 5 सेकंड पर क्या वेलोसिटी आएगी, तो बता सकता है क्या 5 सेकंड बिना पेन चलाए? पेन नहीं चलानी, बस 5 सेकंड पर नहीं आ सकती ना? -30 मीटर पर सेकंड। -30 आएगी। क्यों? 5 सेकंड मतलब 2 सेकंड तो ऊपर गया, ठीक है, इसकी 20 खत्म करने में 2 सेकंड लगे ऊपर, फिर वहां से 3 सेकंड बचे हैं, तो 3 सेकंड में कितनी गेन करा देगा? 10 के रेट से बढ़ाएगा, सही है ना? 10 के रेट से बढ़ाएगा तो 30 हो जाएगी, 30 हो जाएगी। लेकिन अब ध्यान देना, नीचे को है तो वेलोसिटी माइनस का 30 हो जाएगी। बिना पेन चलाए बात कर रहे हो आप ये? नहीं तो पहली इक्वेशन में पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। पी को सीधे सीधे 5 पुट करो, -30 है। अरे आया फील नहीं आया? अब ये बताओ 5 सेकंड में उसकी लोकेशन क्या होगी? 5 सेकंड में लोकेशन बिना पेन चलाए, 5 सेकंड में लोकेशन बिना पेन चलाए, -30 ना? 10 meters नीचे की तरफ। सर -50। सर -25 meters। -25 मतलब टावर के टॉप से, हाईएस्ट पॉइंट से नहीं आ, टावर के टॉप से वो 25 मीटर नीचे आ गया होगा। क्या किया आपने? 5 सेकंड के बाद आपको वेलोसिटी पता है कितनी आई थी? -30। इनिशियल कहां से मान लो? इनिशियल यहां से मानो, टॉप ऑफ द टावर से मान लो। अभी हम दूसरा भी कर लेंगे, ठीक है, पहले टॉप ऑफ द टावर के हिसाब से लो। इनिशियल है प्लस का 20, बाद में है माइनस का 30, तो एवरेज कितना आ गया? 20 - 30/2, 20 - 30/2, माइनस का 5, तो एवरेज वेलोसिटी आ गई माइनस का 5, इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम कितना चल रहा है हमारा? 5 सेकंड, ठीक है, शुरू से कितना हो गया? 5 सेकंड, तो -5 × 5 करोगे तो डिस्प्लेसमेंट आ गया माइनस का 25, यानी वो ऐसे घूम के यहाँ नीचे को 25 आ गया होगा। तो उसकी लोकेशन क्या बोलोगे? उसकी लोकेशन बोल सकते हो फ्रॉम ग्राउंड से अगर देखोगे तो 75 meters और 25 meters डाउन फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर, ऐसे करके। अब जैसा स्टेटमेंट में दिया है वैसा आपका हो जाएगा। अगर आप लेते हो ए, क्या लेना है उसमें? ए की तो जरूरत ही नहीं पड़ी ना मेरे को, ए की कहां जरूरत पड़ी मेरे को। और जहां तक ए की बात है, आपने अगर इस इक्वेशन से चल रहे हो है ना, 5 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट जानना है, वी तो हमने निकाल ही लिया है, वी हो जाएगा माइनस का 30, उसका स्क्वायर कर लेना, ठीक है, ए की वैल्यू तो इतनी रहेगी ना, ए थोड़ा ना बदलेगा पूरे रास्ते में, ये तो यही चलेगा ना, ये को काय को मारो। हाँ सर, ठीक है। अब देखो,
अगर इसको किसी को ख्याल आ रहा है कि मैं मैक्सिमम हाइट से सॉल्व करता हूँ पांच सेकंड वाली प्रॉब्लम को, पांच सेकंड में क्या लोकेशन होगी, मैक्सिमम हाइट से सॉल्व करता हूँ, ठीक है बच्चों को आंदोलन देखो, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये बताओ यार तुम, आ रहा है सर, चल सर, ठीक है। अब देखो अगर किसी को ऐसा मर्जी है जैसे टॉप ऑफ द टावर, किसी को यहां से देखना है कि हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचते हैं, यहां से तोड़ देते हैं मोशन को, अगर यहां से ब्रेक कर रहे हो तो ये तो पता आपने ऑलरेडी निकाल चुके हो कितना आया था 20 मीटर सेकंड, तो 2 सेकंड है और हाइट कितनी आ गई 20 मीटर। अब यहां से देखो, यहां से ड्रॉप हो रहा है, यहां से पार्टिकल ड्रॉप हो रहा है, कितने सेकंड में निकालना है, 3 सेकंड में, ठीक है 3 सेकंड में, तो यहां की वेलोसिटी कितनी हो गई 0। अब यहां से नीचे को पॉजिटिव मान लो, यहां से नीचे को पॉजिटिव मान लो, इस मोशन को अलग देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना पार्ट के लिए अलग से मोशन कंसिडर कर लो, यहां ओरिजिन बना दो और नीचे को हमने 3 सेकंड के बाद वेलोसिटी आ जाएगी प्लस का 30, 3 सेकंड के बाद वेलोसिटी आ जाएगी फिर प्लस का 30 आ जाएगी, अगर आपने यहां पे ओरिजिन बना लिया तो, और नीचे को पॉजिटिव मान लिया तो, 30 प्लस 0.2 कितना हो गया 15, 30 प्लस 0.2 हो गया 15 into 3, 45। अब यहां से 45 नीचे आया है और ऑलरेडी 20 मीटर ऊपर जा, 20 मीटर ऊपर है, तो 25 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। समझ में आ गई बातें, हां सर, बात कर रहा हूं सर, हां सर, जिसको नहीं समझ में आया डायरेक्ट फार्मूला और मैं से चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, s is equal to ut plus half at square में सब यहीं से कंसीडर कर रखा है, समय को 5 रख दो, ये वैल्यू कहीं चेंज नहीं होने, पूरे मोशन में कहीं चेंज नहीं होगी अंटिल आप ब्रेक कर रहे हो, ब्रेक कर रहे हो हाईएस्ट पॉइंट पर अलग से सॉल्व कर रहे हो, वो तो मैंने दिमाग में खोलने को बताया कि भाई आप कैलकुलेशन तेज कैसे कर सकते हो, नहीं तो अगर कोई ज्यादा स्मार्ट नहीं बनना है चुपचाप ये रखो ये है और अपने पास 3 इक्वेशन है, कोई पार्ट पूछ ले आपका आंसर आएगा ही आएगा, सिर्फ एक क्वेश्चन को छोड़ के ये बताओ पांचवें सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, उसके लिए आपको SN वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, पांचवें सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा उसके लिए SN वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कब होगा, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा ना 4 सेकंड के बाद जो भी आएगी वैल्यूज डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव ही आएगा, ठीक है 2 सेकंड ऊपर जाना 2 सेकंड नीचे आना 4 सेकंड में इसी लेवल पर आ गया, उसके बाद अगर कोई भी समय देता हो 4.1 4.2 5 सेकंड 6 सेकंड तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में ही आना चालू हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये रिकॉर्डिंग यार देना जो भी है आराम से देखो काइनेमेटिक्स से, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे ख्याल से अगर इस प्रॉब्लम में क्लियर हो गया है सब कुछ तो एक आधे सॉल्व एग्जांपल कर लो, एक आधे सॉल्व एग्जांपल कर लो जो आपको दे रखा है, कौन सा है इसके अराउंड देखो अंडर ग्रेविटी मोशन में, अब आप सारे एग्जाम्पल कर सकते हो, अंडर ग्रेविटी वाले में कौन सा है, तो बढ़िया है सॉल्व एग्जाम्पल, सब लोग शीट ले आओ यार उसी में से करो फटाफट करना, बताता हूँ मैं अभी कौन सा करना है, इसमें से आप कर सकते हो सॉल्व एग्जाम्पल, हाँ सॉल्व एग्जाम्पल आपका आप 11 कर सकते हो, ठीक है आप 11 कर सकते हो, सर एक बार क्वेश्चन बोलो ना, सॉल्व एग्जाम्पल 11 एक सेकंड, हाँ देखो आप अब आप 11 तक सॉल्व एग्जाम्पल कर सकते हो, ठीक है 11 क्या 13 तक कर सकते हो 13 14, सर प्रॉब्लम 11 वाला 11 वाली प्रॉब्लम ये है, अ पार्टिकल इज ड्रॉप 100 मीटर की हाइट से एक पार्टिकल को ड्रॉप किया गया है और पेज उसी टाइम पर या पेज नंबर पता नहीं पेज नंबर आपका क्या है 8 वेट चल रहा शायद 7 8 पेज नंबर पर होगा, रेक्टिलिनियर मोशन में सॉल्व एग्जांपल है, उसमें क्वेश्चन कह रहा है पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट 100 मीटर
एक 100 मीटर हाइट से ड्रॉप कर रखा है और एक दूसरा पार्टिकल है जिसको ऊपर को फेंका है, इसको ऊपर को फेंका है हमने 50 मीटर पर सेकंड से। तो वो जानना चाह रहा है कि किस समय पर दोनों पार्टिकल मीट करेंगे, किस समय पर और किस लोकेशन पर। आ गई प्रॉब्लम समझ में? अब उसका सॉल्यूशन देख, उसका सॉल्यूशन मत देखना, ठीक है, खुद से ट्राई करो जरा। ऐसी प्रॉब्लम आप कर चुके हो, ठीक है। इस प्रॉब्लम के लिए आप पर 2 मिनट, 2 क्या 3 मिनट लो, करो ढंग से। हाँ भाई, आया समझ में? थोड़ा सा अलग है प्रॉब्लम, लेकिन आप कर सकते हो, कुछ ऐसा नहीं है, इतना लॉजिक आपको लगाना आना चाहिए। चलो मैं बता रहा हूँ, और समय चाहिए क्या, मैं बता दूँ? 2 मिनट, चलो करो फिर। उसके बाद वाली भी प्रॉब्लम करेंगे हम, सारी सॉल्व एग्जांपल करेंगे। कुछ फील हुआ अब? अभी भी समझ में नहीं आ रहा, बताओ। रेक्टिलिनियर सर्विस, हाँ सर्विस, समझ में आ रहा है कि मजा आ रहा है? आ रहा, मजा नहीं आ रहा है सर्विस? क्या सर, समझ में आ रहा है कि मजा आ रहा है? समझ में तो आ रहा है, मजा नहीं आ रहा। ये रिलेटिव मोशन से करोगे ना, रिलेटिव मोशन को उससे करोगे, ये ओरल क्वेश्चन है फिर से। जब रिलेटिव मोशन पढ़ाऊंगा ना, अभी तो पेन चलानी पड़ेगी, अभी तो कुछ कर लो, पेन तो चलानी पड़ेगी, एटलीस्ट तुम्हें तो चलानी पड़ेगी, मुझे भी चलानी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं रिलेटिव मोशन से दिमाग लगाऊंगा, जब आपको पढ़ा लूंगा ना, तब आप ये क्वेश्चन को भी ओरल कर लोगे। देखो इतना, उसका जितना सॉल्यूशन है, लेकिन वो तभी ओरल होगा जब आप एक्सरसाइज करोगे रेजोनेंस की, जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कोशिश करना बिना पेन चलाए, डीपीपी के क्वेश्चन बिना पेन चलाए, ठीक है, उस लेवल पर आगे आने की कोशिश करना। फिर है क्या रेक्टिलिनियर मोशन में, जब तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना, ये 3 इक्वेशन ही है, सही से लगाने आना चाहिए पॉजिटिव नेगेटिव साइन, आंसर तो आएगा ही आएगा, कुछ कर लो, कोई चौथी इक्वेशन ही नहीं है।
बता दूं अब हो गया। ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, कल हमने एक प्रॉब्लम करी थी ना, वो चोर पुलिस वाली हो कुछ था, तो वैसे ही कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। इसमें दिमाग क्या लगाना पड़ेगा, दिमाग ये लगाना पड़ेगा कि एक पार्टिकल ऊपर। अभी और समय चाहिए कि बता दूं अब, है भाई? पेज नंबर क्या है? शाबाश, जहां पर ना वो पेज नंबर बताइए भाई। देखो जरा, एक पार्टिकल मान लो ए नाम है इसका, ठीक है, ये यहां से ड्रॉप किया गया है, ठीक है, ड्रॉप किया गया है ऐसे करके नीचे गिरेगा। इसी लाइन से आपने एक पार्टिकल ऊपर को भी फेंक दिया है 50 मीटर पर सेकंड से ये फेंक दिया है। मान लो ये यहां कहीं मिल रहे हैं, पूछ रहा है किस लोकेशन पर मिलेंगे, मान लो वो यहां कहीं मिल रहे होंगे, तो पहले ए को देखो। ए के लिए मान लो ये डिस्टेंस है आपका x1, इसके लिए मान लो डिस्टेंस है कितना x2, इसके लिए डिस्टेंस है आपका x2। तो मेरे पास एक कंडीशन तो यह है कि भाई x1 प्लस x2 की वैल्यू 100 होगी। बताओ 100 मीटर की हाइट है ना उसकी, ठीक है। अगर मैं ए को देखता हूं, अगर मैं ए को ऑब्जर्व करता हूं, तो इसके लिए नीचे को पॉजिटिव मान लो, नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, ओरिजिन यहां मान लो, ओरिजिन यहां मान लो, ठीक है। तो जब आप एस कितना हो जाएगा, मान लो टी समय के बाद, टी इज इक्वल टू 0 पर ड्रॉप किया है, उसी समय पर ये भी फेंका गया है, मान लो टी इज इक्वल टू टी पर मिल जाते हैं, सही है, कोई टी समय के बाद मिल जाते हैं, सेम समय पर चालू हो रहा है मोशन, मान लो 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद या 2 सेकंड बाद, जो भी है टी मान लोगे उसको, जनरल मानोगे आप, तो उतने के समय के बाद ये मिल रहे हैं, तो इसके लिए एस कितना हो जाएगा, इसके लिए एस होगा प्लस का एक्स वन इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, ए की जगह हो जाएगा प्लस का 10, ए की जगह हो जाएगा प्लस का 10। अगर आपको जी लिखना है तो जी भी लिख सकते हो, अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन प्लस का जी रहेगा याद रखना, नीचे को पॉजिटिव माना है आपने, इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से एक्स वन कितना आ गया, एक्स वन आ गया आपका जी टी स्क्वायर अपॉन 2। अब अगर आप B के लिए बात करोगे, B के लिए ओरिजिन नीचे मान लो, B के लिए ऊपर को पॉजिटिव मान लो, ओरिजिन नीचे मान लो, ठीक है, ऊपर को पॉजिटिव मान लो, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, प्लस की 50, एक्सेलरेशन कितना हो गया, माइनस का जी, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा टी समय के बाद, डिस्प्लेसमेंट होगा प्लस का x2, तो x2 की वैल्यू कितनी आ गई है, 50t प्लस हाफ माइनस जी टी स्क्वायर। इस कंडीशन को पुट कर लो वहां पर, मतलब इन दोनों को x1 x2 की वैल्यू पुट करो, देखो हाफ जी टी स्क्वायर हाफ जी टी स्क्वायर कट जाएगा, क्या बनेगा ये आपका 100 इज इक्वल टू 50t बन जाएगा, t की वैल्यू आ जाएगी 2 सेकंड, t की वैल्यू आ जाएगी 2 सेकंड। विष्णु नहीं है क्या प्रेजेंट? हो सर प्रेजेंट। अच्छा हो गया क्वेश्चन ये सॉल्व। सर बी पार्टिकल में डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव कैसे आया? क्योंकि मैंने ओरिजिन यहां मान लिया ना, इसके लिए ओरिजिन यहां मान लिया, ऐसा थोड़ा ना है, एक पार्टिकल को लिए हम अलग से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बॉटम वाले के लिए, बॉटम वाले के लिए मैंने ओरिजिन यहां मान लिया, ठीक है, मैंने x1 x2 क्या है मेरे, x1 x2 डिस्टेंसेस हैं, ठीक है, वो ये लेंथ है आपकी कितनी कितनी है, तो मैंने ओरिजिन यहां माना, मैंने मान लिया टी समय के बाद वो मिल रहे हैं, तो टी समय के बाद मैंने कहानी लगाई, यू मेरा प्लस का 50 हो जाएगा, ए माइनस का जी हो जाएगा, एस को प्लस का x2 लिख दिया मैंने, लिखूंगा ही लिखूंगा भाई, ऊपर को डिस्प्लेसमेंट होगा इसका, ठीक है, ऊपर को पॉजिटिव माना हुआ है मैंने, तो ये देखो इक्वेशन आई, इसके लिए ऊपर ओरिजिन मान लिया, नीचे को पॉजिटिव मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है दोनों का, हमें तो बस x1 x2 मैग्नीट्यूड चाहिए, कितना x1 x2 आ रहा है, ये लेंथ चाहिए थी, तो मैंने क्या किया, मैंने यहां ऊपर ओरिजिन माना, नीचे को पॉजिटिव मान लिया, तो मेरा s प्लस का x1 हो जाएगा, ठीक है, a प्लस का जी रहेगा, तो x1 निकल के आ गया।
आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, उनका वैल्यू कैसे आया? अरे वही तो है, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा है ना, s की वैल्यू की फाइनल आंसर कैसे निकालोगे? इसके बाद बस समय पुट करो, यहां से x1 आ जाएगा। ये समय को अब यहां पुट कर लो या फिर यहां पुट कर लो। समय को इसके बाद यहां पुट करोगे तो x1 आएगा आपका, कितना आ जाएगा बताओ? 20 आ जाएगा, 20 मीटर आ जाएगा। यहां पुट करोगे तो 80 मीटर आएगा। देखो दो इक्वेशन, एक ये, एक ये, एक ये, तीन इक्वेशन, तीन अननोन, x1, x2 और t। ठीक है, तो आपने पहले इन दोनों को यहां पुट किया तो समय हट गया आपका, सॉरी हाँ मतलब समय निकल के आ गया। तो समय निकल के आया, इसको वापस पुट कर लो यहां पर, तो x1 आ जाएगा, यहां पुट करोगे तो x2 आ जाएगा। t कैसे निकाला? अरे x1 x2 आ गया क्या समझ में? यस सर। तो इसको यहाँ पुट करो ना, ये कंडीशन है तो सही, x1 plus x2 मिला के 100 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्डिंग की हाइट 100 मीटर है। ओके सर, समझा। है ना, बिल्डिंग की हाइट 100 मीटर है तो ये हो जाएगा। अब इस समय को यहाँ पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 20। इसको g को 10 मान लेते हो तो 2 का स्क्वायर अपॉन 2, तो 20 आ जाएगा। यहाँ पुट करोगे तो 80 आएगा, पक्का है, लिख के ले लो, आएगा इतना। तो यानी अगर हम बताएंगे कि कब मीट कर रहा है, 2 सेकंड के बाद। कहां पर मीट कर रहा है? बॉटम से, बॉटम से आपका 80 मीटर, फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर 20 मीटर। हाँ भाई, किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या? कॉपी कर रहा है। नो सर। सर ए पार्टिकल के पास तो एक्सेलरेशन है, मतलब जी का एक्सेलरेशन आ रहा है ना उसके साथ, और ये तो ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटी तो उसको खींच रही है, तभी भी ये 80 मीटर तक ऊपर जा रहा है। हाँ, और रेस्ट से भी तो चालू कर रहा है, कोई भी चलता है तो एक्सेलरेशन के हिसाब से नहीं चलता, चलता किसके हिसाब से? वेलोसिटी के हिसाब से। अब मैं शुरू में 1000 से फेंक दूंगा तो ज्यादा ही चलेगा ना। हाँ, आई बात समझ में? गेम वेलोसिटी का है, अगर इसकी वेलोसिटी दी होती 5-10 तो हो सकता था x1 ज्यादा आता, x2 कम आता, समझे बात को? ठीक है, या फिर एक और काम कर लो, या तो डिस्टेंस को बढ़ा दो, जो बिल्डिंग है बिल्डिंग की हाइट को बढ़ा दो, 500 कर दो, तो x1 ज्यादा आएगा शायद, तो x1 ज्यादा आ जाएगा, x2 कम आ जाएगा। ओके सर, आप तो प्रॉपर सिस्टमेटिक चलो, इसके ये x1 मान लो, x1 देखो सब कुछ तो सब क्लियर क्लियर लिखा हुआ है। क्या हो गया कांशा, क्या समझ में नहीं आया तुम्हें? x1 कैसे आया, x2 कैसे आया? कहां सो रहे हो भाई, कल भी कराई थी ग्रेविटी वाली प्रॉब्लम, अभी भी कराई, फिर तो अभी वाली भी समझ में नहीं आई होगी। अरे रिकॉर्डिंग लेक्चर भाई भेज देना, तुमसे कहा था एक ग्रुप बना लो व्हाट्सएप पर, एक ग्रुप बना लो। कौन बना रहा भाई? फिजिक्स एसी टू, और क्या है तुम्हारा दूसरा बैच कौन सा? एपी टू। तो पहले से ग्रुप है फिजिक्स का। कहाँ है? व्हाट्सएप पर। हाँ, जिसमें आप हो यार, वो तो उनका है शायद, मैं तो उसमें हूँ शायद। एसी वन वालों ने बना रखा है, तुमने थोड़ा ना बनाया? जगदीश सर ने भी बनाया था। हाँ सर, उसमें सिर्फ जेपीएन सर है। हाँ, उसमें मैं नहीं हूँगा। चलो हाँ हाँ, सच कहता हूँ। उसमें भेज दिया करो ना, उसमें भेज के अपना अपना देखो, कोई एक जना रिकॉर्ड करके उसमें सेंड कर लिया करो, इतना कोई परोपकारी काम। अरे x1 x2 में क्या दिक्कत है भाई यार, यहाँ से फेंक रहा हूँ, यहाँ पर ओरिजिन बनाओ, देखो इसको क्या क्या लिख रखा है, ये तीन चीजों को देखो, इक्वेशन अप्लाई करो, कौन सा जादूगर कुछ तोड़ना हो रही है यहाँ पर। प्रॉपर सिस्टमेटिक कह रहा हूँ, ओरिजिन बनाओ, चलो एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानो, ये हो जाएगा। ऊपर वाले के क्या है, अलग से ओरिजिन बना लो, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है, लेकिन उसके हिसाब से सब कुछ सही लिखना। ये प्लस का, ये डिस्प्लेसमेंट प्लस का एक्सेलरेशन, ये जी की वैल्यू प्लस की पुट होगी क्योंकि ओरिजिन ऊपर बना लिया है,
नीचे को ले रहे हो, तो ऐसे करके x1 आ गया, यहाँ पुट करोगे सेकंड इक्वेशन में, x2 आ गया, बस x1 x2 को यहाँ पुट कर दो तो आपका समय निकल के आ जाएगा। अब समझा सर, जब तक मतलब डांट कितना सुनाओ तब तक कुछ समझ में नहीं आता क्या? चलो उसके आगे वाली प्रॉब्लम। अब तो यार वो मेरे को बैलून वाली प्रॉब्लम कराने में डर लग रहा तुम्हें, समझ में भी आ पाएगी तुम्हें? उसके अगली वाली प्रॉब्लम 12th वाली, तो फिर भी आसान है। हाँ 12th वाली करो भाई, 12th वाली करो, सॉल्यूशन मत देखना, 12th वाली करो, सॉल्यूशन मत देखना। 13th वाली प्रॉब्लम और 14th वाली प्रॉब्लम समझाने में डर लग रहा है मेरे को, तुम लोग समझ पाओगे कि नहीं समझ पाओगे? सर कौन सा पेज नंबर? अरे यार जहाँ ये प्रॉब्लम थी उसकी अगली प्रॉब्लम करो सर, वो तो 6 था ना क्वेश्चन, एग्जांपल 6। यार तुम लोगों को अलग अलग शीट मिल रखी है शायद मेरे ख्याल से, तो मैं प्रॉब्लम बता देता हूँ। प्रॉब्लम में ये कह रहा है अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर। हाँ सर वो एग्जांपल 6 है। हाँ मेरे उसमें, हाँ मेरे उसमें 12 है वो। इट इज फाउंड दैट इट ट्रेवल्स 45 मीटर इन लास्ट सेकेंड, 45 मीटर इन लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स जर्नी, तो फाइंड आउट द हाइट ऑफ टावर। ठीक है, पार्टिकल को ड्रॉप किया गया है टावर की हाइट से, टावर के टॉप से, कह रहा है 45 मीटर ट्रेवल कर रहा है लास्ट सेकंड में। ठीक है, लास्ट सेकंड में 45 मीटर ट्रेवल कर रहा है, तो बताओ बताओ कि उसकी टावर क्या, इसमें टी का वैल्यू क्या आया था? दो या सर पॉज हो गए हो आप? सेकंड। हाँ भाई अब रिकॉर्डिंग देख लेना भाई, रिकॉर्ड क्यों कर रहे हो इसको, डाल दो उस ग्रुप में। लेकिन ये बताओ सब खाली जेपीएन सर मैसेज कर सकते थे या सब लोग कर सकते? सभी। हाँ तो ठीक है उसमें डाल देना ना, उसमें वीडियो डाल देना ये वाली। कौन कर रहा है रिकॉर्डिंग, कौन कर रहा है? हाँ सर मैं कर रहा हूँ। सिराज सही है, कर लोगे ना, डाउनलोड करके डाल दोगे उसमें? हाँ सर। ठीक है बढ़िया है चलो। हाँ भाई इसके आगे की बात करते हैं, अगली प्रॉब्लम क्या कर रहा है वो, टावर के हाइट से, ये मान लो टावर है, यहाँ से ड्रॉप किया, ट्राई करें कर लो, ट्राई कर लो, अपने लास्ट सेकंड में 45 मीटर ट्रेवल कर रहा है इसके लास्ट। हाँ सर वो बलून वाला करना है ना? अरे नहीं यार तुम कहाँ सोते रहते हो, बोला तो है तुम क्या जानबूझ के, तुम्हें मजा आता है क्या मेरे को परेशान करने में? है कह रहा हूँ वो वाला प्रॉब्लम करो, लास्ट सेकंड में 45 मीटर चल रहा है, 6 एग्जांपल है शायद वो। सर मिल गया, हाँ करो उसको, चलो दो मिनट दिया आपको, फटाफट करो। हेलो सर, कुछ लोगों ने कर लिया। हाँ बोलो 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 सर, मुझे तो टाइम 3 सेकंड जा रहा है लेकिन यहाँ पे दिया है कि टाइम तो 5 सेकंड है। ठीक है चलो देखते हैं।
ठीक है, कहाँ माना? ओरिजिन आपने ऊपर ही मान रहे हो, ओरिजिन ऊपर मानते हुए चलो, नीचे को पॉजिटिव मानते हुए चल लो, ठीक है, वहीं से मोशन चालू हुआ था। अब जब आप SN वाला फॉर्मूला लगाओगे, SN बोला था मैंने, SN डैश बोला था, जो भी है SN मानते हैं तो, ठीक है, nth सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट है, nth सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट है, u प्लस ए बाय टू टू एन माइनस वन। हाँ विष्णु, ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है, ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। क्या बात है सर्वेश, हैं, u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो, जीरो प्लस ए की वैल्यू, ए की वैल्यू याद रखना, ओरिजिन नीचे को पॉजिटिव मान रखा है आपने, नीचे की डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो एक्सेलरेशन प्लस का टेन फुट होगा अपॉन टू, लास्ट सेकेंड है एन माइनस वन, कोई दिक्कत नहीं। एस की वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है, नीचे को हो रहा है, जो भी सेकेंड है डिस्प्लेसमेंट नीचे को हो रहा है, तो प्लस का 45, ठीक है। साइन देखो, बस साइन को देखते जाओ कैसे कैसे कर रखा है आपने, पता है आपको फॉर्मूला ये लगेगा, पहली चीज तो ये फॉर्मूला लगेगा, ये पता होना चाहिए। फिर प्लस माइनस का हिसाब किताब देखो, कितना हो गया यहाँ से 99, एन की वैल्यू 5 आ गई, कैलकुलेशन सही करना भाई, एन की वैल्यू 5 सेकंड आई। इसका क्या मतलब हुआ, इसका जो लास्ट सेकंड था वो पांचवा सेकंड था, इसका जो लास्ट सेकंड था वो पांचवा सेकंड था, तो टोटल समय कितना आ गया इसका, 5 सेकंड आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। हमने nth सेकंड निकाला, और nth कौन सा होगा, लास्ट सेकंड, तो पांचवा सेकंड बताओ ना सर, नेटवर्क इशू था, अभीत से बताओ, यहां से फॉर्मूले के बाद, हाँ सर ये नहीं सर, उसके ऊपर वाला स्टेप, हाँ सर ये फॉर्मूला लगे, ये समझ में आया, हाँ ऊपर ओरिजिन माना, नीचे को पॉजिटिव मान लिया, हाँ हाँ। अब क्या हो रहा है, लास्ट सेकंड में 45 ट्रेवल कर रहा है, हमने नीचे को पॉजिटिव मान रखा है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो होगा लास्ट में जो 45 होगा तो नीचे को, डिस्प्लेसमेंट तो नीचे को ही होगा, SN में SN डिस्प्लेसमेंट होता है, याद रखना डिस्टेंस नहीं होता, ठीक है। अगर स्ट्रेट लाइन में चाह रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट होता है, तो लास्ट सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, प्लस का 45 फुट करोगे, ए को प्लस का 10, नीचे को पॉजिटिव माना हुआ है आपने, 2n माइनस 1, तो n निकल गया 5 सेकंड। अब पांचवा सेकंड जो होगा इसका लास्ट सेकंड होगा, लास्ट सेकंड है, फिफ्थ सेकंड इसका लास्ट सेकंड है, तो टोटल जर्नी टाइम 5 सेकंड हो गया ऊपर से नीचे कितने में। अब मैं इसकी हाइट निकाल सकता हूं, अब मैं पहली इक्वेशन सेकंड इक्वेशन लगाऊंगा, उसमें एस की जगह पर रख दूंगा प्लस का एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ प्लस का 10 इंटू टी स्क्वायर। बताओ किसी को कोई समस्या है तो बताओ, इसमें हाइट आपकी निकल कर 25 × 5 125 मीटर, ठीक है, इतनी हाइट ऑफ द टावर ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। यस सर, समझ गया। अब हाइट ऑफ द टावर तो मैं उरल भी निकाल सकता था, यहाँ की स्पीड 0, यहाँ की स्पीड 50, 50 से गिरेगा, बताओ 50 से गिरेगा कि नहीं गिरेगा, 50 से गिरेगा कि नहीं गिरेगा, ये समझ में आया, 5 सेकंड के बाद कितनी स्पीड कर लेगा, 50 हो जाएगी, 50 हो गई, एवरेज कितनी आ गई, एवरेज टी तो निकालना ही पड़ेगा ना, हाँ टी तो निकालना पड़ेगा, वो तो मजबूरी है, वो बिना उसके काम नहीं होगा, ये वाले के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। तो एवरेज कितनी आ गई, 0 + 50/2 25 को समय से मल्टीप्लाई कर लो, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा आपका 125। आंसर। हेलो सर, हम ये जो मतलब ये हाइट है, इसे सर हम पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला से नहीं निकाल सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कर सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले से करोगे, लेकिन उसके लिए भी तो वी पता होना चाहिए ना, यहाँ का स्पीड पता होनी चाहिए, ठीक है। जब मैं आपको वर्क एनर्जी चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, उस टाइम टेंशन मत लो, उस टाइम तो उसका फॉर्मूला क्या है, पी का, पोटेंशियल एनर्जी का। अरे छोड़ो, अभी अभी मत जाओ ना, अभी काइनेमेटिक्स पे रहने दो, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। आगे जाके जब फोर्सेस पूरी मैकेनिक्स चालू होगी, जब फोर्सेस की बात होंगी, जब वर्क की बात होगी, तो वहां पर बता दूंगा, तो वहां पर तब तक ये चीज दिमाग पर रखना, अभी हम ऐसा नहीं अटकेंगे, हम नहीं अटकेंगे, बिना उसके काम हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, बाद में बताऊंगा, वर्क एनर्जी का टाइम भी बताऊंगा,
वहां पर मैकेनिक इसका कैसे इस्तेमाल करना है इधर वाली चीजों का, टेंशन मत लो, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम पता होनी चाहिए उसके लिए, तो वहां पर डिटेलिंग में आ गई बात समझ में। अब आओ बैलून वाले पर, कोशिश करते हैं। बादाम बादाम खा लो भाई, दिमाग लगेगा उसमें। बैलून वाला उसकी अगली प्रॉब्लम, रिएक्शन टाइम क्या होता है भाई, रिएक्शन टाइम क्या होता है, रिएक्शन टाइम पता तुम्हें? एक टॉपिक देखा छोड़ा, रिएक्शन टाइम देखो क्या होता है। रिएक्शन टाइम, सामने आपके खड्डा उड्डा आ गया, बॉम्बे की रोड है, बारिश हो रही, खड्डे बहुत हैं, आपको दिखा नहीं रहा, आपको अचानक से दिखा, आपने देखा, दिमाग में ऑब्जर्वेशन आया, मतलब ऑप्टिकल नर्व, आंखों से देखा, ऑप्टिकल नर्व दिमाग में गया, दिमाग ने प्रोसेस किया, फिर उसने इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर भेजी, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने कहा ब्रेक मार, मतलब फिर वहां से पैर की मसल्स को वो मिला, उसने ब्रेक मारा। तो यहां से देखना और उस पूरे उसको प्रोसेस करके एक्शन तक पहुंचना, उसको रिएक्शन टाइम बोला जाता है। आई बात समझ में? हेलो, हम ब्रेकिंग, ठीक है। तो वो भी कंज्यूम होगा, जैसे आपका आपका ये है, ये जा रहा था, उसने किसी इंस्टेंट पर खड्डा देखा, टाइम मतलब 0 सेकंड का ही टाइम लगता है ना, एकदम नेग्लिजिबल होता है। नेग्लिजिबल नहीं होता भाई, आपको जब आप इंजीनियरिंग पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा। जैसे हम बोलते हैं ना, दो गाड़ियों के बीच में इतना डिस्टेंस होना ही चाहिए अगर इस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। अब मैं सिविल इंजीनियरिंग मैंने कर रखी है, तो मेरे को पता है वहां पर कि हम क्या बात करते हैं, हम बात करते हैं कि कितना उसने मूव कर रखा है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, एक से दूसरे गाड़ी के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, अगर हम ब्रेक मारें तो हमें कितना डिस्टेंस चाहिए आगे का इस स्पीड पर। तो जब हम डिजाइन करते हैं तो हम इंसान का रिएक्शन टाइम भी लेके चलते हैं, 2.5 सेकंड लेके चलते हैं, तो उसको भी देखते हैं, फिर उसके बाद ब्रेक लग रहा होता है। चलो मैं तुम्हें वो प्रॉब्लम ही करा देता हूँ, हटाओ यार, ये समझ में आ गया? हाँ सर, ठीक है। आपकी प्रॉब्लम यह है, a car driver sees a pothole। अब ये प्रॉपर आपको तो मैं सिविल इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम बता दे रहा हूँ। sees a pothole 25 meter ahead, 25 नहीं, हाँ 50 मीटर कर लो, 50 मीटर अहेड, when the car's speed was 20 meter per second, if reaction time to apply brakes is 1.5 second, if reaction time to apply brake is 1.5 second, then find the minimum deacceleration so that the car stops before reaching the pothole
द पॉट होल. पढ़ लो भाई क्वेश्चन पढ़ लो सबके सब. ये है हमारी प्रॉब्लम, यहाँ पर मिला हमें खड्डा, ठीक है, एक कार है हमारे. हैं ये 1.5 सेकंड वो ब्रेक जब लगाना स्टार्ट करेगा या ब्रेक वो रुक गाड़ी रुक गई तब है वो 1.5? ना ना ना, क्या होगा बताओ. वो 25 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ठीक है, जब उसका डिस्टेंस था यहां से 50 मीटर, ठीक है, तो उसने एक पॉट होल देखा. अब उसका रिएक्शन टाइम 1.5 सेकंड है, मतलब वो 1.5 सेकंड के बाद ब्रेक लगाएगा, उतना उसको सोचने समझने में चले जाएगा. सर 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है. 20 जा रहा है क्या? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 20 जा रहा है, ठीक है. तो क्या करेगा, जब तक वो सोच समझ रहा है तब तक तो गाड़ी 20 मीटर से ही चलेगी, यहां से लेके कुछ आगे तक तो 20 मीटर से ही जाएगी वो, ठीक है. आई बात समझ में? 1.5 सेकंड के बाद, 1.5 सेकंड के बाद वो ब्रेक अप्लाई करेगा. रिएक्शन टाइम क्या होता है? रिएक्शन टाइम होता है, आपने देखा कैच का रिएक्शन टाइम क्या होता है? कैच का रिएक्शन टाइम, वो बॉल देखना वहां से झपटना, मतलब उसने बॉल देखी और कितने समय के बाद रिएक्ट किया, ठीक है. हाँ सर, याद आया क्रिकेट में रिएक्शन टाइम? रिएक्शन टाइम कितना है? 1.5 सेकंड, ठीक है. तो तब तक तो क्या है, यहां से यहां तक एक कांस्टेंट स्पीड से जाएगा 20 से, तो 20 into 1.5 कितना हो गया, 30 आ गया. तो 30 मीटर तो ये चल जाएगा, सही है ना, 30 मीटर तो ये चल चुका होगा. इसके बाद से ब्रेकिंग चालू होगी, इसके बाद से उसने ब्रेक लगाना चालू करेगा. अब कितना डिस्टेंस बच गया है, उस पर बच गया है 20 मीटर. अब आपकी क्या हो गई प्रॉब्लम, इनिशियल स्पीड हो गई है आपकी 20, डिस्प्लेसमेंट 20 कर लो. देखो अगर 20 से पहले रोक देता हूं तो मेरे को एक्सेलरेशन, डीएक्सेलरेशन बहुत ज्यादा चाहिएगा, सही है ना. जितना पहले पहले रोकूंगा उतना तगड़ा ब्रेक लगाऊंगा ना. तो हमसे पूछा मिनिमम डीएक्सेलरेशन बताओ कि वो वहां ना गिरे, तो मैं हराम से ब्रेक लगाने हैं ताकि हम जस्ट बचें. तो हम अपना डिस्प्लेसमेंट 20 रखेंगे. अगर हम 20 से कम रखते हैं, ठीक है, तो हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा, हमारा एक्सेलरेशन ज्यादा निकल के आ जाएगा. एक्सेलरेशन मतलब डीएक्सेलरेशन ज्यादा निकल के आ जाएगा, ठीक है. आई बात समझ में? चलो इसको सॉल्व करते हैं. हाँ सर, ठीक है. फाइनली कंडीशन क्या है, वेलोसिटी 0 कर लो. जब उसका वो 20 मीटर चल जाए तो वेलोसिटी को 0 कर दो, तो ऑटोमेटिकली आपका क्या निकल के आ जाएगा, यहां पर से एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा. कैसे? अब अपना थर्ड इक्वेशन लगा दो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, देखो अभी एक को यहां तो पहले ही माइनस ले लो क्योंकि पता है डी एक्सलेट होनी है, ठीक है. वेलोसिटी आगे को है, ए पीछे को है, या फिर ऐसे ही रहने दो, वो अननोन है ना, वो अननोन है, आपको नहीं पता है प्लस का है कि माइनस का. ऑल्दो आपको पता है लेकिन आप प्लस का ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है. अगर आप प्लस का रहने दे रहे हो, आपके लिए अननोन है, तो देखना नेगेटिव निकल के आ जाएगा. लेकिन आपने पहले से माइनस का पुट कर दिया है, आप मान चुके हो हाँ ठीक है नेगेटिव आने वाला है. अब ए खाली मैग्नीट्यूड आएगा फिर, तो बेटर रहता है ऐसी प्रॉब्लम में आप ए को ऐसे रहने दो, चाहे डी एक्स रेड भी कर रहा है तो ऑटोमेटिकली वो खुद ही साइन दे देगा. तो यहां से ए कितना निकल के आ गया, 400/40 माइनस कितना ये, माइनस का 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अगर इससे ज्यादा एक्सेलरेशन हुआ, मतलब -12 हो गया, -15 हो गया, तो क्या होगा, 20 से पहले रुक जाएगा, ठीक है, हमसे मिनिमम पूछ रहा है. लेकिन अगर -10 से कम हुआ, मतलब -8 वगैरह हो गया, माइनस का साइन तो क्या कर रहा है, रिटार्डेशन है अपना, डी एक्सलेट कर रहा है. तो अगर -8 हुआ, -6 हुआ, तो वो गिर जाएगा फिर तो आगे चले जाएगा, मतलब इससे आगे ज्यादा डिस्टेंस चाहिएगा, तो मतलब गिर जाएगा. एक्सेलरेशन उसको लगेगा कि वो 20 मीटर के बाद जस्ट स्टॉप हो जाएगा. हाँ, 20 मीटर के बाद जस्ट स्टॉप हो जाएगा. प्रॉब्लम समझ में आई भाई सबको? यस सर. किसी को कोई दिक्कत है इसमें? नो सर. बहुत बढ़िया, लिख लो इसको, आराम से लिखो. रिएक्शन टाइम की कहानी समझ में आ गई? हाँ सर.
ठीक है चलो भाई इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपके बैलून वाली प्रॉब्लम है, सब लोग पढ़ सकते हो उसको। अब स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ बैलून गोइंग अप विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है ठीक है, सुन लो ये वाली प्रॉब्लम करनी है आपको। स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ बैलून जो ऊपर को जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। इफ द बैलून वॉज 60 मीटर हाई, तो हाइट ऑफ स्टोन ये सब पूछ रहा है, कुछ कुछ पूछ है। ठीक है, बैलून ऊपर को जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से 5 मीटर पर सेकंड से, ये वाली प्रॉब्लम करनी है। चलो मिटा रहा हूं मैं। अरे सर्विस, ओ सर्विस, क्या सर कहां गुम हो जाते हो भाई है? कुछ नहीं समझ में आए? हाँ सर। हाँ सर। अरे इंटरेस्ट तो आएगा भाई, काइनेमेटिक्स है वो। फिजिक्स में दो चीजें होती है, यहाँ तो बच्चे को समझ में आता है, इंटरेस्ट आता है, चलते जाता है, यहाँ तो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। कहाँ तक? मैकेनिक्स तक। देखो अभी भी दो पार्ट है, पहले इसको यहाँ से पकड़ो। काइनामेटिक्स तक एक एक है, नहीं पकड़ में आया, नहीं पकड़ में आया हटाओ। फिर न्यूटन लॉ से फिर से आप दोबारा स्टार्ट कर सकते हो, वहां की फिजिक्स थोड़ी मैकेनिक्स तक एक चलेगी। अगर एक भी चैप्टर बीच में गया आगे के चैप्टर नहीं पकड़ पाओगे। सेम कहानी यहाँ है, पूरी काइनामेटिक्स एक चलेगी, रेक्टिलिनियर प्रोजेक्टाइल रिलेटिव मोशन। अगर काइनेमेटिक्स रेक्टिलिनियर नहीं पता, प्रोजेक्टाइल पर आप इतना हाथ पैर नहीं कर पाओगे, ज्यादा नहीं चला पाओगे, समझ में आ जाएगा, लेकिन मतलब आप अच्छा लेवल का क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। फिर रिलेटिव मोशन, उसमें पहले के दो पता होने चाहिए, तो ये काइनेमेटिक्स साथ में चलती है। फिर उसके बाद न्यूटन लॉ से मैकेनिक्स अलग, ये है फंडा। जिसको समझ में नहीं आया काइनेमेटिक्स, वो क्या करे, वो पढ़ाई करे घर जाके, घर में तो हो ही पर ज्यादा मेहनत करें। अभी तो स्टार्ट ही हो रहा है, करो उसमें सीट वीट, क्या दिक्कत है तब। और ऐसा मत समझो कि एक बार में सब पकड़ में आता है, प्रॉब्लम करो उसमें, शीट लगाओ, डीपीपी लगाओ, जितनी काइनम रेक्टिलिनियर मोशन की मिलते जा रही है करते जाओ, जितनी प्रॉब्लम मिल रही है तो यहाँ से प्रैक्टिस। अरे शीट होगी उसके बाद डीपीपी भी तो होगी, डीपीपी में जहां से काइनामेटिक्स से सवाल है वहां से करो। ठीक है, बाकी डाउट में पूछते रहो, डाउट तो आएंगे ही आएंगे, ऐसा थोड़ा ना होता है कि सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। डाउट में पूछते रहो, क्वेश्चनों से सीखो जो क्लास में करा रहा हूं। देखो प्रॉब्लम क्या कह रहा है उसमें, एक बैलून है। ठीक है, ये मान लो ऐसे करके बैलून होगा, ये है बैलून। ठीक है, ये जा रहा है ऊपर को, कांस्टेंट स्पीड है इसकी, कांस्टेंट स्पीड दे रखी आपको 5 मीटर पर सेकंड, और ये 60 मीटर पर ये है। ठीक है, ये जमीन से है 60 मीटर पर, जमीन से 60 मीटर पर है ये दे रखा है, ये जा रहा है कांस्टेंट स्पीड से, जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, ये सिनेरियो दे रखा है। कह रहा है ये एक स्टोन को ड्रॉप करता है, ये एक यहां से एक स्टोन को फेंकता है नीचे को, ड्रॉप कर रहा है। ठीक है, ये ड्रॉप कर रहा है, ये जानना चाह रहा है जब ये स्टोन नीचे गिरेगा तो बैलून कितना ऊपर चले जाएगा। ठीक है, बैलून का लेवल ये मान लो, ये मान लो बैलून अभी यहां पर है, इसको सेंटर मानते हुए चल लो। ठीक है ना, तो बैलून। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, एक सेकंड। ठीक है, हाँ बताओ।
पॉइंट फाइव सेकंड में रुक जाएगा कौन बलून ना बलून पर कुछ नहीं करना बलून तो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है बलून कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है उस पर जी देखो कांस्टेंट स्पीड से जब जा रहा है ना एक्सेलरेशन कैसे आता पता है ना जी की वैल्यू क्यों आती है जब खाली ग्रेविटी का फोर्स लग रहा होता है सही है जब खाली ग्रेविटी का फोर्स लग रहा होता है तो वो तो एक्सेलरेटेड मोशन है यहाँ पर उसने ग्रेविटी का फोर्स होगा कुछ गैसेस रिलीज करती हैं नीचे को फोर्स और आता है मतलब सॉरी प्रेशर का वो सब मिला मुलू के तो उसका नेट इफेक्ट होता है ये जो दिया है नेट इफेक्ट है ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है अब जी भी कुछ कंसिडर नहीं करना ये बस 5 मीटर पर सेकंड से जाता रहेगा ऊपर को आई बात समझ में पहली चीज तो देखो ठीक है तो इसमें जी का कोई इफेक्ट नहीं है सीधे 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर को जाता रहेगा इसके साथ एक खेल है जो इसने पत्थर ड्रॉप कर रखा है ना पत्थर इसने ऐसे करके छोड़ा होगा वहां से लेकिन पत्थर पर शुरू में वेलोसिटी होगी 5 ये बताओ ये समझ में आया क्या जब पत्थर को छोड़ोगे अब आप एक बात बताओ बस जा रही है ठीक है बस जा रही है पत्थर तो रेस्ट पे होता था ना अरे रुको तो सही जरा जब बस जा रही होती 50 किलोमीटर पर आवर से ठीक है आप बस की खिड़की दरवाजे पर खड़े हो जाओ ऐसे करके गिर जाओ अपने आप को ड्रॉप करो ठीक है हाँ सर बात समझ में गिर के देखना एक बार मजे से गिरना 50 किलोमीटर पर 60 किलोमीटर करा ज्यादा भगा 80 भगा गिर के देखना ऐसा थोड़ा ना फ्री फॉल होगा आप पर 80 आगे को भी लेके जाओगे आप इनिशियली आप पर जो बस की वेलोसिटी थी वो भी लेके जाओगे एक एक प्लेन जा रहा है ये पूरा प्लेन है अपना ठीक है ये आपका आगे को जा रहा है अगर ये कोई बॉम्ब को ड्रॉप करेगा खाली छोड़ेगा तो बॉम्ब ऐसे थोड़ा ना गिरेगा ऐसे गिरेगा क्या नहीं स्पीड जा रहा 500 किलोमीटर पर आवर में जा रहा है तो ये आगे को जाएगा और आगे को जाके ऐसे गिरेगा बॉम्ब तो उसने अपने रिस्पेक्ट में अपने हिसाब से ड्रॉप किया है लेकिन वो एक्चुअल में क्या होगा उसकी वेलोसिटी भी लेके जाएगा बस खाली वेलोसिटी लेके जाता है उसकी इनिशियल सर बट वो बॉम्ब पीछे को गिरेगा ना अबे तुम्हें पीछे को दिखेगा वो ये देखो ये क्या ये छोड़ा कहाँ को गया वो मैंने खाली छोड़ा है फेंका नहीं है मैंने जरा ध्यान देना ठीक है ये क्या छोड़ दिया बात आगे को आ रहा है मैंने खाली छोड़ा है बस उसको जरा ध्यान देना अभी ड्रॉप कर रहा हूं ऐसे अभी ड्रॉप करूंगा प्रॉब्लम को देखो जरा अभी ड्रॉप किया तो ऐसे गिरेगा बिल्कुल सीधे गिरेगा अब मैं ऐसे करके सीधे ड्रॉप कर रहा हूं धक्का वक्का कुछ नहीं मार रहा हूं मैं बस मैंने अभी भी मैं फिंगर्स को बस ऐसे ही खोल रहा हूं ऐसे ही खोल रहा हूं पहले ऐसे खोलूंगा तो सीधे गिरेगा जब मैं इसको तेजी से लेके ऐसे करके छोड़ रहा हूं तो उसका पाथ आगे को आएगा हाँ एरोप्लेन तो और तेज भाग रहा होगा ठीक है तो एरोप्लेन को तो हमेशा अपने नीचे दिखाई देगा वो प्रॉब्लम आ गया वो प्रोजेक्टाइल की प्रॉब्लम उसको छोड़ो ये समझ में आया फ्रेम ऑफ रेफरेंस पॉइंट बाहर से हाँ बाहर से फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये समझ में आया कि ये इसकी भी वेलोसिटी लेके जाएगा बम इनिशियल वेलोसिटी उसकी भी लेके जाता है ठीक है अब इसको दिमाग पर रखो फील हुआ तो बहुत बढ़िया ठीक है सर लेकिन बलून तो ऊपर की तरफ जा रहा है ना हाँ तो इसकी इनिशियल स्पीड भी ऊपर को मिलेगी इनिशियल वेलोसिटी 5 तो बेसिकली उसने ड्रॉप कर रखा है अपने ऐसे करके ठीक है ऐसे करके ड्रॉप कर रखा है तो वो पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा तो मतलब वो फिर जो ये स्टोन है तो वो 0.5 सेकंड ऊपर जाएगा फिर नीचे आना चालू करेगा हाँ ये छोड़ो पहले ये समझो ये 5 मीटर पर सेकंड उसकी इनिशियल वेलोसिटी लेके जाएगा अब यहाँ से प्रॉब्लम बदल गई है इतना समझ में आ गया उसके बाद बैलून से अभी कोई रोल नहीं है अब इसको अलग रखो इसको अलग रखो अब हमारा स्टोन अलग चल रहा है स्टोन के लिए ओरियन बनाओ यहीं पर ओरियन यहाँ बनाओ ऊपर को पॉइंट मान लो तो स्टोन की कहानी क्या है स्टोन की कहानी के लिए क्या हो जाएगा स्टोन की कहानी यू हो गया आपका प्लस का 5 ठीक है ए हो गया आपका माइनस का 10 डिस्प्लेसमेंट बताओ चलो भाई डिस्प्लेसमेंट बताओ जमीन पर गिराना है डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा 60 माइनस का 60 माइनस का 60 तो समय निकाल लो समय निकाल लोगे कितना हो जाएगा माइनस 60 इज इक्वल टू यू इंटू टी प्लस हाफ इंटू माइनस 10 इंटू टी का स्क्वायर क्या करो इसको पहले 5 से सबको काट दो फिर 2 से मल्टीप्लाई भी कर लेना 5 से 12 24
सर यू फाइव कैसे आया? जीरो ना चाहिए ना? अरे फाइव आएगा भाई, अरे तो बताया, रुको तो माइनस रूट स्क्वायर, हाँ क्या तो डायरेक्ट फाइव बाहर निकालो ना आप। हाँ डायरेक्ट फाइव निकाल लेता हूँ, तो छोटा कर लेते हैं। चलो अगले उसमें आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने। अरे अभी तो बोला जब उसने ड्रॉप कर रखा है उसने अपने रिस्पेक्ट में ड्रॉप किया होगा, तो जो बैलून की वेलोसिटी होती है उस इंस्टेंट पर, जो बैलून की वेलोसिटी होती है वो लेके जाता हो, ठीक है, उसकी वेलोसिटी भी लेके जाता हो। अभी तो बताया था कार से जब ड्रॉप करोगे, कार से कोई चीज को ड्रॉप करोगे सर, छोड़ दोगे। हाँ सर, लेकिन जब हम कार से जाते तो सर हम कार के डायरेक्शन में जा रहे हैं, यहाँ पे तो सर बलून ऊपर जा रहा है और स्टोन नीचे जा रहा है ना, अपोजिट डायरेक्शन में। तो अच्छा तब वो को कार की वेलोसिटी क्यों लेके गया? जब आपने किसी इंसान को देखा है वो जब फेंकता है बस से, कभी आप ग्राउंड पर हो उसको बस से उसने फेंका है चीजों को, बस से उसने कुछ चीज को ड्रॉप कर रखा है, तो उसका रास्ता कैसे आता है? उसका पाथ आगे को आता है कि नहीं आता? समझो तो सही, कॉन्सेप्ट वही है। तो अच्छा अगर मान लो अगर उसकी वेलोसिटी नहीं लेके नहीं जाता, अच्छा अच्छा मान लो ग्रेविटी नहीं होती तो क्या होता फिर, अगर उसको छोड़ता तो कुछ नहीं होता, ऊपर की तरफ जाता सर, 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ जाता। क्यों जाता भाई, ग्रेविटी तो है ही नहीं, इसलिए नीचे की तरफ नहीं होगा ना, तो डायरेक्ट वो जिस वेलोसिटी से छोड़ा है उसी वेलोसिटी के ऊपर। सिंपल बता रहा हूं, इसको दिमाग में अब रट लो, खत्म करो। अबे भाई जब ऐसा दिया है प्रॉब्लम तो अगर उसने ड्रॉप कर रखा है ठीक है, तो वो हमेशा उसकी वेलोसिटी लेके जाएगा, हमेशा ठीक है, उसकी वेलोसिटी लेके जाएगा ही जाएगा, कुछ कर लो आप कभी ऑब्जर्व करना किसको, लिफ्ट में देखना यार, लिफ्ट में देखना, लिफ्ट में भी नहीं, कहाँ देखोगे चीज को ऑब्जर्व? ट्रेन के हम रट लेंगे, आपने बोला ना ट्रेन से उतर कर। No problem, तो ट्रेन से उतरते वक्त कुछ लोग जल्दी से उतर जाते हैं ना, तो वो लोग हाँ आराम से जल्दी से उतरते हैं, वो पहले उतर जाते हैं, लेकिन वो कहीं को झटका मार के नहीं उतरते, वो बस अपने पैरों को ऐसा एडजस्ट करते हैं कि वो वेलोसिटी को मेंटेन कर ले। इनर्शिया की प्रॉपर्टी है बेसिकली, इनर्शिया समझ में आता है इनर्शिया? हाँ सर। इनर्शिया जब बस में जाते हो, बस में बैठे हो तो बस को ब्रेक लगता है, आप का अगर कांटेक्ट छोड़ दिया जाए, आप अगर कांटेक्ट छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो ठीक है, जैसे आपका आप मान लो आप उस पर हो कार के ऊपर बैठे हो, कार जा रही 80 से ठीक है, अचानक से ब्रेक लगा तो कार तो रुक जाएगी, लेकिन आप आगे की तरफ जाओगे, आप आगे को जाते जाओ, इनिशियली आप 60 की स्पीड लेके जाओगे ठीक है ना, लेकिन कार ने फेंका थोड़ा ना उसको, कार ने फेंका थोड़ा ना, कार ने तो उसको बस छोड़ दिया है ठीक है ना। तो वही चीज यहां पर भी है, जब इसको ऐसे करके रिलीज करोगे तो ये ऊपर को जाएगा, पहले ये इसकी वेलोसिटी लेके जाएगा ऊपर को, तो इसका पाथ जाएगा ऊपर घूम के नीचे गिरेगा ये। हाँ भाई अब इसको दिमाग में रख लेना ठीक है, सिर्फ वेलोसिटी लेके जाता है। अबे डिस्प्लेसमेंट तो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट भाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ में आता है सर? ये जाएगा नीचे आएगा, डिस्प्लेसमेंट तो 60 आएगा सर, टाइम 4 आएगा, 4 सेकंड्स। कितना आ रहा है यहां से? 4 सर, 4 सेकंड्स। और दूसरी वैल्यू तो आएगी कुछ -3 आ, तो 4 सेकंड आ गया आपका, डिस्प्लेसमेंट माइनस का 60 रहेगा, इसमें ऊपर जाएगा नीचे आएगा। अरे भाई यहां पे ओरिजिन बना दिया, ऊपर से घूम के नीचे आ गया, अभी बिल्डिंग के ऊपर से फेंक दी, प्रॉब्लम वही तो प्रॉब्लम है। इतना आ गया, चलो 4 सेकंड में कितना ऊपर जाएगा, 4 सेकंड में कितना ऊपर गया, 4 सेकंड में ये कितना ऊपर जाएगा, 20 मीटर जाएगा, ये 20 मीटर चले जाएगा, बताओ किसी को कोई दिक्कत? 5 की स्पीड से जा रहा है 4 सेकंड में, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, 5 की स्पीड से कांस्टेंट जा रहा है 20 मीटर ऊपर,
तो जमीन से कितना हो गया, 80 मीटर ऊपर आ गया। अरे आई बात समझ में? पहली चीज तो ये चीज दिमाग पर रखना कि जब भी रिलीज करोगे अगर उसके हिसाब से रेस्ट से छोड़ा है तो उसकी वेलोसिटी लेके जाएगा, ठीक है, तो 5 मीटर पर सेकंड लेके गया, तो ऐसे करके ऐसे आएगा। अब ये तो हमारा प्रोजेक्टाइल, ऐसी प्रॉब्लम, ऐसा प्रॉब्लम तो हमने कर रखा था, वो 100 मीटर की हाइट से पत्थर को ऊपर को फेंका था, वही वाली प्रॉब्लम है। और 20 मीटर कैसे आया सर? अबे यार ये बैलून 5 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, 4 सेकंड में कितना चल जाएगा? 20 मीटर। ये एक बार छोड़ दिया है, इसकी स्पीड लेके जाए, इसकी वेलोसिटी लेके जाएगा, लेकिन उसके बाद ये अंडर ग्रेविटी आ गया, ये तो अंडर ग्रेविटी है प्रॉब्लम, ये कांस्टेंट स्पीड से चलते जा रहा है। आई बात समझ में? हाँ सर। हाँ सर। ग्रेविटी, ग्रेविटी का अफेक्ट, प्रेशर वेशर लगा के इसका जो नेट मेंटेन्ड है वो ऊपर को 5 मीटर पर सेकंड है। अब कुछ नहीं करना है इसमें, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है बस, इसमें कुछ जी का कोई रोल नहीं है। तो आपका हाँ, जो आ जाएगा है? मैं जी के रोल को पकड़ के बता रहा था। ना ना, जी का रोल नहीं आएगा, उसने बोल रखा है कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, फिर आप कुछ नहीं करोगे उसमें। समझ में आई बात? ये वाली प्रॉब्लम को टिक कर लेना, अच्छी प्रॉब्लम है। इसके बाद वाली और अच्छी प्रॉब्लम है, इसलिए मैं कह रहा था मेरे को समझाने में टाइम लग जाएगा तुम्हें ये चीज। पहली चीज तो ये, फिर इसके बाद लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि भैया डिस्प्लेसमेंट माइनस का 60 होगा, बढ़ेगा थोड़ना यार, ऊपर जाके नीचे आ रहा हो, डिस्प्लेसमेंट को थोड़ना मतलब है, डिस्टेंस बदल गया। डिस्टेंस तो ये भी काउंट करोगे, ये भी काउंट करोगे, आ गया हाइट ऑफ बैलून, क्या होती बैलून की स्पेलिंग सही है, बैलून 60 प्लस 80 आ जाए, 20 आ जाएगी, तो 80 मीटर हाई आएगा। जैसे स्टैंड पर जमीन पर गिरेगा पत्थर, उस स्टैंड पर ही आ जाएगा। फिर फाइनल धमाका भी कर लें, फाइनल धमाका वो वाला है, फिर उसमें तो एक्सेलेरेशन है, अभी तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा था। क्या सर? अगली प्रॉब्लम, उसकी नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो जरा, उसकी नेक्स्ट प्रॉब्लम और बढ़िया है। ट्राई करें आप, बता दो डायरेक्ट ना, मैं बताता हूँ, तुम ट्राई नहीं कर पाओगे उसको, इसमें तुम, इसमें तुम्हारे, तुमने बैंड बजा दी। हेलो सर, मुझे ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया सर, वो जो आपने वो 20 मीटर लिया है ना ऊपर का डिस्टेंस, वो फिर से समझाओ ना। ये समझ में आया? 4 सेकंड, ये 4 सेकंड बाद जमीन पर गिर जाएगा। हाँ वो समझ में आया यार, ये क्या दे रखा है, इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है? क्वेश्चन पढ़ो तो सही एक बार, क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ बैलून गोइंग अप विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड। वो बोल चुका है भाई इसका मोशन ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, अब जीवी का कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है? आई बात समझ में? उसने यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल दिया है, वो अंडर ग्रेविटी नहीं चल रहा है, वो ग्रेविटी के साथ एकाधिक फोर्स और लगा होगा, वो सब मिला मुलू के इसको फाइनल कंडीशन क्या आ गई, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, बोल चुका है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सर मैंने फॉर्मूला ही गलत लगा दिया, सॉरी। क्या जी भी ले लिया क्या इसमें? इसमें जी मत लेना यार, उसने बोल चुका है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, खत्म बात। हाँ, इसलिए कह रहा हूँ ये वाली प्रॉब्लम, यही प्रॉब्लम को टिक करना, उसमें काफी चीजें हैं। एक कॉन्सेप्ट ये है, एक कॉन्सेप्ट ये है, उसने बोल दिया यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है ऊपर को, तो उसमें फिर अब जीवी का इफेक्ट नहीं लेना, उसने ग्रेविटी का इफेक्ट और अगल बगल का प्रेशर वेशर, गैस रिलीज नीचे को करेगा ऊपर को पुश करेगा, जैसे रॉकेट प्रोपल्शन होता है, जब गैस रिलीज नीचे को करता है तो अपने आप को ऊपर को थ्रस्ट मिलता है, तो थ्रस्ट और ग्रेविटी का सब इफेक्ट मिला के ये है, ये फाइनल कंडीशन ये आएगी 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर को जा रहा है बस, ठीक है? हाँ, इस पर खाली ग्रेविटी चल रही है, एक बार छोड़ दिया, अब ये ग्रेविटी के इफेक्ट में है, लेकिन शुरू में इनिशियल में उसकी वेलोसिटी लेके जाता है। अभी भी कोई दिक्कत किसी को? अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा, अगली प्रॉब्लम बताऊं कि छोड़ दूं, मतलब स्किप ही कर लें उसको? तो बता दो। बता दूं?
क्या कह रहा है, टू स्टोन्स आर रिलीज्ड फ्रॉम बैलून एट इंटरवल 2 सेकंड, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन वंस। सर होमवर्क में ट्राई करें ना, तुमसे ना हो पाएगा, टेंशन मत लो, तुमसे ना हो पाएगा वो प्रॉब्लम, कितनी कोशिश कर लो। चलो बता देता हूं, वो आज की लास्ट प्रॉब्लम है और समय लेगी वो, जरा ध्यान देना, मिटा दूं इसको। सर छोटी दिख रही प्रॉब्लम, 45 मिनट थोड़ी लेगी, अभी 45 मिनट छोड़ना है अपने को, 15-20 मिनट में करना है उसको। अबे मेरे लिए तो बहुत आसान है, मेरे लिए तो एक मिनट की प्रॉब्लम हो तुम्हें समझाने में। अबे काइनेमेटिक्स ये सब क्या है, फाउंडेशन है फिजिक्स की, यहाँ पर जब तक समझा आ जाओगे, सही से मेहनत करते रहो ना, 3-4 महीने में बिल्कुल तीतर बन जाओगे, चक्कू जहर क्या क्या शब्द होते हैं, तेज चलने लग जाओगे तुम भी प्रॉब्लम को। लेकिन पहली बार प्रॉब्लम को समझना, काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स फील आनी चाहिए। देखो क्या कह रहा है उसमें, अगली प्रॉब्लम देखो जरा, बैलून इस बार एक्सेलेरेशन से जा रहा है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कॉन्स्टेंट एक्सेलेरेशन है, बैलून जा रहा होगा, ये बैलून है ठीक है, ये बैलून जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, इसका एक्सेलेरेशन दे रखा ऊपर को, ये दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ठीक है, कुछ वेलोसिटी भी होगी इसकी, मान लो जो भी वेलोसिटी है ठीक है, कुछ भी वेलोसिटी है, कुछ नहीं दे रखा है, कह रहा है 2 स्टोन को फेंक रहा है, उसकी हाइट दे रखी है ना, हाइट भी नहीं दे रखी है ठीक है, उसने कह रखा है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम सबको पता है ना, प्रॉब्लम सबने पढ़ ली, हाँ भाई प्रॉब्लम सबने पढ़ ली क्या? हाँ सर। सेकंड स्टोन रिलीज कब किया? सर पिछले का आया, मुझे पिछले क्वेश्चन का 80 मीटर आया, आ गया ना? हाँ आ गया, अभी आया। हाँ अब इसका करते हैं, अब इस पर करते हैं, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर को जा रहा है, कह रहा है 2 स्टोन फेंके मैंने इस बैलून से, 2 स्टोन फेंके गए, 1 सेकंड एक फेंका, उसके 2 सेकंड बाद दूसरा फेंका है, पहले तो उतना समझते हैं, उतना समझने में ही अपने को एफर्ट लगेगा। देखो देखो उसने बोला नहीं है बैलून की स्पीड वेलोसिटी नहीं बोल रखी जब पहला स्टोन फेंका हुआ है, तो उसने बैलून की वेलोसिटी नहीं बोल रखी जब पहला स्टोन फेंका हुआ है, आप जीरो मान लो, आप मान लो जीरो वेलोसिटी है शुरू में, यहाँ पर वेलोसिटी इसकी जीरो है। इनफैक्ट मेरे को ये डायग्राम थोड़ा नीचे बनाना चाहिए सर, तो वेलोसिटी मतलब यू आएगा ना? हाँ यार कुछ बना लो, क्या फर्क पड़ता है ठीक है, ये जा रहा है, इसका एक्सेलेरेशन है कांस्टेंट 2 का, इसका यहां पर स्पीड मान लो 0, लो स्पीड मान ली मैंने 0 ठीक है, इस लेवल पर था ये, इस लेवल पर चल रहा था, यहां से पहला स्टोन ड्रॉप हुआ है, जब पहला स्टोन ड्रॉप हुआ होगा स्टोन 1 ठीक है, स्टोन 1 ये ड्रॉप कर रखा है, देखो जैसे इसने छोड़ा, इसकी इनिशियल स्टोन 1 के लिए इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 0, बताओ स्टोन 1 की जहां तक हम बात करेंगे, स्टोन 1 की कहानी क्या हो जाएगी, स्टोन 1 के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, नीचे को पॉजिटिव मान लो, नीचे को पॉजिटिव मान लो, कितना आ जाएगा भाई इसका, इसका डिस्प्लेस, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, a की वैल्यू हो जाएगी प्लस का जी ठीक है, तो किसी भी टाइम पर इसका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, कितना चल चुका होगा ये, नीचे को मान लो आपका चल चुका है y1 मान लो या s1 मान लो, जो मानना है आपको, तो कितना हो जाएगा ये, प्लस का y1 is equal to, प्लस का y1 is equal to ut plus half gt square ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं सर? ठीक है अब जरा ध्यान दो, ये तो यहां से हुई प्रॉब्लम, अब ये 2 सेकंड के बाद दूसरा पत्थर फेंक रहा है, तो 2 सेकंड के बाद ये कुछ ऊपर के लेवल पर आ गया होगा। हाँ सर, 2 सेकंड ना 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 ना, ये चीज है कांस्टेंट एक्सेलेरेशन से जा रहा है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर लगाओ, ये कितना ऊपर चले गया, ये चले गया होगा, कितना ऊपर गया है भाई, ये कितना ऊपर गया है, हाँ इसकी स्पीड हो गई होगी,
इसकी स्पीड हो गई होगी 4, इसकी स्पीड 4 मीटर पर सेकंड। ये स्पीड का बताना है किसी को? सर 8 मीटर गया रहेगा। अरे ठीक है वो तो कर लेंगे। ठीक है एक्सलेशन 2 है, 2 सेकंड के बाद ये t इज इक्वल टू 0 की कहानी है। यहाँ पर t इज इक्वल टू 0 था, ये t इज इक्वल टू 2 की कहानी है। यहाँ पर t इज इक्वल टू 2 की कहानी बता रहे हैं। ठीक है ये कितना चल गया होगा? अच्छा स्पीड में किसी को कोई दिक्कत? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से बढ़ा रहा है तो 2 सेकंड के बाद उसकी 4 हो जाएगी। स्पीड कितनी हो जाएगी? 4, क्योंकि शुरू में 0 थी बाद में 4 हो जाएगी। अच्छा यहाँ पर ये कितना हाइट चल चुका होगा? चाहे तो आप एवरेज का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर लो, चाहे आप इसका कर लो, यूटी प्लस हाफ 2 × 2 का स्क्वायर, तो 4 ही आएगा आपका, 4 मीटर निकल के आ गया। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? तो ये वाली हाइट हमारी 4 निकल के आ गई है। अब बात आती है स्टोन 3 की। जब स्टोन 2 यहां से ड्रॉप हुआ होगा, ठीक है, तो ये इस पर रही होगी इनिशियल, इनिशियल स्पीड रही होगी 4। बताओ इस पर इनिशियल स्पीड रही होगी 4 मीटर पर सेकंड। ऊपर को बैलून की स्पीड लेके जाएगा कि नहीं जाएगा? इनिशियल स्पीड जाएगी इसकी 4 मीटर पर सेकंड। हाँ सर। एक्सेलरेशन नीचे को है, एक काम करो नीचे को पॉजिटिव मान लो, फायदा होगा। अब मान लो टी समय के बाद ये घूम फिर के ऊपर जा जाके ऐसे करके नीचे को आ रहा है। ठीक है उसने पूछा क्या है? 1 सेकंड के बाद, 1 सेकंड के बाद डिस्प्लेसमेंट बताओ, 1 सेकंड के बाद डिस्प्लेसमेंट बताओ, 1 सेकंड के बाद दोनों के बीच का गैप बताओ। ठीक है आई बात समझ? ओके सर। ठीक है अब क्या करोगे? इसके हिसाब से मान लो ये आया, ये पूरा घूम के आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट हमने मान लिया y2। ठीक है इसमें कितना समय हो जाएगा भाई? इसके लिए समय हो चुका होगा अगर आप सही से दिमाग लगाओगे तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा। बताओ इस पत्थर के 1 सेकंड बाद, तो इसके लिए टोटल समय कितना हो गया चलने का? 3 सेकंड हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा ठीक है अब इसकी जहां तक बात है, इसका y2 निकाल पाओगे इसके लिए? सेकंड इक्वेशन लगाओ। 3 सेकंड कैसा है? अरे इस पत्थर पे क्वेश्चन पढ़ो, जरा ढंग से पढ़ो क्वेश्चन को। क्वेश्चन में पूछा क्या है? दोनों पत्थरों के बीच में कितना गैप होगा 1 सेकंड आफ्टर द सेकंड स्टोन हैज बीन थ्रोन, जब दूसरा पत्थर फेंक दिया उसके 1 सेकंड के बाद। तो यानी इसके लिए तो कितना समय हो चुका होगा अभी तक? 3 सेकंड हो गए होंगे कि नहीं हो गए होंगे? हाँ सर। ठीक है अब इसकी बात आई तो एस की वैल्यू आएगी प्लस का y2, नीचे को पॉजिटिव माना हुआ है, ठीक है ना, एस की वैल्यू आ जाएगी प्लस का y2 आपका। ठीक है ऊपर को मानना है? ऊपर को मान सकते हो, कहीं कोई मानना है? कहाँ मानना है बताओ? नीचे कोई, ऊपर को मानना है तो बता दो, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है अपने को। तो प्लस का ये इज इक्वल टू, जब u पुट करोगे तो u माइनस का 4, और इसके लिए समय पुट होगा 1 सेकंड, इसके लिए समय पुट होगा 1 सेकंड। बताओ इसके लिए ये हो जाएगा प्लस, अरे 1 सेकंड क्यों, 2 होना चाहिए था ना। अबे इसके लिए कितना जर्नी समय है, इसके लिए तो 1 सेकंड के बाद की बात कर रहा है ना वो। इसका मोशन कब चालू हुआ है? इसके मोशन के कितने समय की बात कर रहा है? क्वेश्चन तो पढ़ो यार पहले ढंग से। सर एक बार पूरा क्वेश्चन हमको से समझा दो ना। फिजिक्स भी मैं समझाऊं, अंग्रेजी भी मैं समझाऊं तुम्हें, हैं? पढ़ो क्वेश्चन को एक बार दोबारा। सर क्वेश्चन नहीं, आपने जो ये डायग्राम बनाया ना सर, वो वाला समझाता हूँ, पहले क्वेश्चन पढ़ लो ढंग से। हाँ भाई जिसको 1 सेकंड वाली डाउट है उसमें समझ में आ गई क्या बात होनी है? सर वंस मोर। चलो पहले यहां करते जाओ, हाफ एन टू ए, ए की जगह पर आएगा प्लस का 10, ए की जगह पर प्लस का 10, प्लस का जी एन टू 1 का स्क्वायर, ये हो गई इसकी बातें, प्लस का जी इंटू 1 का स्क्वायर, इतनी बातें हो गई हैं।
तो हमारा वाई टू कितना निकल के आ गया, वाई टू आ गया आपका y2 कितना निकल के आ गया माइनस फोर एंड प्लस g बाय टू। g की वैल्यू कुछ बोला है क्या उसने लेने को? g की वैल्यू कुछ नहीं बोला हुआ है, 10 ले लेंगे कुछ 10 ले लेंगे फिर क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है ना। कितना आ गया y2 आ जाएगा आपका, 10 ले लेते हैं तो कितना आ गया 1, y2 आ गया 1, y1 कितना आ गया, y1 आ गया 45. इसके आगे भी खेल है, इसका मेजरमेंट यहां से है, इसका मेजरमेंट यहां से है, ऊपर से 4 मीटर चला हुआ है। तो एक काम क्यों ना कर लो, अगर आपको गैप निकालना है तो y2 हमें निकल के आ गया 1, y2 तो यहां कहीं चला होगा, ठीक है, y2 तो यहां से बस 1 मीटर ही चला हुआ है, क्या आया आपका y2, y2 प्लस का आ रखा है, ठीक है ना, हमने नीचे को माना था, ठीक है प्लस का y2, प्लस का ही निकल के आया, कोई दिक्कत नहीं अपने को, ठीक है ना। तो y2 वन आ गया आपका, नीचे को आया होगा। अब दोनों के बीच में गैप निकालना है, यहां और एक यहां के बीच में, तो क्या करो पहले y1 में, इसमें चाहे तो एक काम कर लो या फिर ऐसे कर लो, 48 आ जाएगा आंसर, 45 ये आ गया है, ये कितना गैप रहा होगा, 3 रहा होगा, क्योंकि तो टोटल है 4, 4 है, 1 ये आ चुका है तो 3 रहा होगा, तो 3 प्लस 45 आपका 48 आ जाएगा। इसमें क्या दे रहा है आंसर, 48 दे रहा है, कुछ और दे रहा है? अब जरा ध्यान से देखो, दोबारा समझा रहा हूं और ये आखिरी बार है, सब लोग ध्यान देना, ठीक है। प्रॉब्लम क्या कह रहा था, एक बैलून जा रहा है, वो दो पत्थर को ड्रॉप कर रहा है, एक पत्थर ड्रॉप किया, 2 सेकंड के बाद दूसरा पत्थर ड्रॉप किया, जब दूसरा पत्थर ड्रॉप किया उसके 1 सेकंड के बाद बताओ दोनों पत्थरों के बीच में कितना गैप होगा, ठीक है, 1 सेकंड के बाद बताओ दोनों पत्थरों के बीच में कितना गैप होगा। आई बात समझ में, ये हो गया, ठीक है। बैलून कैसा था, एक्सेलरेटेड था, मैंने यहां पे मान लिया कुछ नहीं दे रखा है, जब पहला पत्थर फेंका है तो बोला नहीं है क्या वेलोसिटी है, तो मैंने 0 मान ली बैलून की, क्योंकि वो मैटर नहीं करेगा ना, वो मैटर ही नहीं कर रहा होगा, और करेगा भी नहीं, क्यों नहीं करेगा, वो कट जाएगा आपका, उसकी कोई दिक्कत भी नहीं पड़ेगी अपने को, ठीक है ना, कट जाता है बाद में, तो आप तो सिंपल रखो, फिर उसमें और दिमाग लगाना पड़ेगा, तो आप 0 मान लो, जब कुछ नहीं दे रखा है तो खुद से 0 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 सेकंड के बाद देखो, 2 सेकंड के बाद ये कितना चल जाएगा, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाया, ये आ गया, इसकी 2 सेकंड के बाद स्पीड निकाल लो, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 4 आ जाएगी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा देना। अब आ जाओ दूसरे बैलून पर, दूसरे पत्थर पर, उससे पहले पहले पत्थर की कहानी देख लो, पहला पत्थर इसकी वेलोसिटी 0 है तो ये 0 से ही चालू होगा, अंडर ग्रेविटी है, ठीक है, ठीक है, कितने समय के बाद, इसके लिए टोटल समय कितना हो जाएगा, इसके लिए टोटल समय हो जाएगा 3 सेकंड, 3 सेकंड के बाद इसकी लोकेशन देखो, क्योंकि इसका इसके बाद का 1 सेकंड है, तो इसके लिए जर्नी टाइम हो चुका होगा 3 सेकंड, तो 3 सेकंड के बाद कितना चल गया है, आपने यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाया नीचे को पॉजिटिव मानते हुए, ये आ गया आपका 45 मीटर, तो नीचे को 45 मीटर चल चुका है, ठीक है। अब इसकी बात रही, इस टाइम तक बैलून की वेलोसिटी हो चुकी थी 4 मीटर पर सेकेंड, तो उसकी वेलोसिटी लेके जाएगा, हाँ इसके एक्सेलरेशन से कोई मतलब नहीं होता, अब इसको इसके एक्सेलरेशन से कोई मतलब, एक्सेलरेशन लेके नहीं आता, ठीक है, ये सिर्फ वेलोसिटी लेके जाता है हमेशा, तो वेलोसिटी लेके गया, ठीक है, मैंने मान लिया नीचे को पॉजिटिव, मैंने इसको नीचे को पॉजिटिव मान लिया आपका, तो ये कहानी रह गई, ठीक है, एस एस निकाल लेते हैं, ठीक है, यू माइनस का पुट हो जाएगा क्योंकि नीचे को पॉजिटिव मान लिया, चाहे तो आप ऊपर को पॉजिटिव मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तो ऊपर को पॉजिटिव मान लो, ठीक है, तो भी हो जाएगा, तो माइनस का 40 प्लस हाफ जी प्लस का पुट हो जाएगा, समय 1 चल रहा है आपका, 1 का स्क्वायर, तो वाई टू निकल के आ गया 1 मीटर, तो क्या होगा इस सिनेरियो, ये चला है 1 मीटर यहां पर, ठीक है, ये 1 मीटर आ गया आपका, ये 1 मीटर आ गया, तो ये कितना बचा, ये बचा आपका 3 मीटर, टोटल कितना था, 4 मीटर था, यहां से वाई टू आ गए डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एक काम करो, y2 भी मत लिखो आप, सिंपल s निकालो, आप s निकाल लो ना, s निकालो, s निकाला आपने, s निकाला,
कितना आ गया, एस की वैल्यू 1 आ गई। मैटर क्या कर रहा है, प्लस का 1 है, प्लस का 1 है मतलब वो नीचे को 1 मीटर आ गया होगा, नीचे को 1 मीटर निकल के आ गया है। बताओ मैटर ये कर रहा है आपका कि भाई नीचे को 1 मीटर निकल के आ गया है। अब ये 1 मीटर नीचे चल गया तो ये गैप कितना हो गया, ये गैप कितना हो गया, ये गैप हो गया 3 मीटर। और ये यहां से दूसरा बैलून कितना जा चुका है, दूसरा बैलून कितना जा चुका है 45, दूसरा बैलून जा चुका है 45 मीटर। तो ये वाला पत्थर पहुंचा है यहाँ, ये वाला पत्थर पहुंच गया यहाँ, कितना गैप हो गया 48 मीटर आ गया कि नहीं आ गया। उड़ गए सारे तोते, क्या हो गया ये? समझ में आया? हाँ सर समझा। नहीं समझ में आया। कितने बच्चे बचे हैं अभी? 32 बच्चे हैं। देखो कुछ तो वैसे ही उड़ गए। अब 32 में से मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, मेरे ख्याल से 6-7 को समझ में आया होगी सही से प्रॉब्लम क्या हुआ है। आहा एग्जैक्टली नहीं, लेकिन आइडिया लग गया ना तो टाइम आइडिया। हाँ एडवांस की प्रॉब्लम है प्रॉपर। और टेंशन मत लो, ये चीज अगर आप 4-5 महीने बाद करोगे ना, जब आपकी मैकेनिक्स हो जाएगी, हालांकि उसमें ऐसा कुछ नहीं पढ़ोगे, लेकिन आपका दिमाग इतना खुल चुका होगा, आप शीट करते जाओ प्रॉपर, 4-5 महीने बाद इतना दिमाग, जेई में भी आ सकती है, हैं? मतलब ये सेम प्रॉब्लम जेई के पेपर में भी आ सकती है क्या? तुम याद करने की सोच रहे हो क्या? हैं? नहीं सर। अबे सब नए नए क्वेश्चन ही होते हैं, ऐसा थोड़ा ना डेटा भी चेंज कर लेगा तुम तो फंस जाओगे वहीं। देखो एडवांस की प्रॉब्लम है, एडवांस में आएगी, मेंस में तो मेंस के लिए बहुत टफ प्रॉब्लम हो जाएगी। मेंस में ऐसा होता है ना, मेंस में अगर आप प्रॉपरली सही से तैयारी कर रखी है तो मेंस में 25 में से 20 क्वेश्चन, 20 से 22 क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं। मतलब आपने अगर शीट वीट प्रॉपर कर रखी है 20 से 22 में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 2-3 क्वेश्चन होते हैं जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा, उनमें से इस लेवल की प्रॉब्लम होती है, 2-3 प्रॉब्लम इससे भी हल्की होती है वैसे। आना आ जाती है मिल जाएगी तुम्हें, 2-3 प्रॉब्लम तो इसी लेवल की रहती है। स्टोन टू को क्या नहीं दिया एक्सेलरेशन? बलून का एक्सेलरेशन था ना सर 2 मीटर पर सेकंड। बलून का एक्सेलरेशन नहीं मिलता, बलून की हमेशा वेलोसिटी मिलती है। एक बार ड्रॉप कर लिया ना तो बलून की वेलोसिटी लेके जाता है, जहां से ड्रॉप कर रखा है उसकी वेलोसिटी लेके जाता है, एक्सेलरेशन कभी लेके नहीं जाता। अच्छा एक चीज पढ़ी क्या, न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा है आपने? F=ma पढ़ा होगा, पढ़ा है? बहुत बढ़िया। चलो देखो ये क्यों नहीं होता ऐसा, थोड़ा सी कहानी देख ही लो। अच्छा ये डब्बा रखा हुआ है, कौन सा फॉर्मूला? F=ma। हां सर पढ़ा है, है ना? ये डब्बे के बारे में बताओ क्या क्या फोर्सेस लगे होंगे डब्बे पे? ग्रेविटी फोर्स, एमजी आ गया नीचे की तरफ को, एक जमीन से ऊपर को फोर्स लगा हुआ, किसको लगा? फ्रिक्शन नहीं लगा, फ्रिक्शन जब हिलना इधर उधर करेगा अभी तो कोई चांसेस नहीं है, तो ये लगा होगा, ठीक है? ये कौन लगा रहा है? ये ग्राउंड लगा रहा होगा। तो मैं कह सकता हूं कि भाई F ग्राउंड, ठीक है, F ग्राउंड माइनस mg नेट फोर्स 0 हो जाएगा, दोनों बराबर होंगे। अब मान लो ये डब्बा हवा में है, खाली हवा में है, ग्राउंड में है नहीं, ऊपर से छोड़ दिया है, तो क्या फोर्स लगेगा? mg, है ना? इस बार ये बैलेंस नहीं रहेगा, अभी तो बैलेंस था, अभी तो क्या दिख रहा है ऐसे बैलेंस होगा कि नहीं होगा? तो ये दोनों फोर्सेस कैंसिल कर जाएंगे एक दूसरे को। अब हवा में है ऐसे करके तो नेट फोर्स कितना आ गया, नेट फोर्स इस पे कितना बच गया? mg। तो mg नेट फोर्स इक्वल टू ma जब करोगे तो a की वैल्यू g निकल के आ जाएगी। तो ऐसी चीज है जब वो बैलून के अंदर था कॉन्टेक्ट में तो वो उसकी जो कहानी थी ना उसकी कहानी कुछ अलग थी, जैसे ही वो क्योंकि उसमें दिक्कत है, वो बहुत अच्छी कहानी है, वो न्यूटन लॉ की प्रॉब्लम है आगे की, उसके आगे की बात सुनो। जैसे उसको छोड़ दिया
उसके सारे कॉन्टैक्ट छूट गए, जैसे उसको छोड़ दिया सारे कॉन्टैक्ट छूट चुके हैं, सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है mg, जैसे ही उसने रिलीज कर दिया तो एक्सलेशन उसका जी के बराबर रहेगा, सिर्फ अंडर ग्रेविटी चल रहा है और कोई फोर्स नहीं लग रहा। एक्सलेशन कहां से आता है? फोर्सेस से आता है। जैसे ही आपने छोड़ दिया उसको, उसके बाद वो अंडर ग्रेविटी है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी जरूर लेके जाता है, ठीक है ना? इनिशियल वेलोसिटी जरूर लेके जाता है। ओके सर, समझ में आई बात? और समझ में आ गई और निकलते हैं। हाँ सर। सर अगर थोड़ा नहीं लेकिन फेंका तो तब भी वो थोड़ा इनिशियल वेलोसिटी लेके जाएगा? हाँ हाँ, इनिशियल वेलोसिटी जो जहां से जो भी हाथ से आप ऐसे करके ड्रॉप करो तो हाथ की वेलोसिटी लेके जाएगा। लेकिन तो फेंक रहे हम, छोड़ नहीं रहे। हाँ फेंकोगे भी तो हाथ की भी लेके जाएगा, अब डिपेंड करता ना वो वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में दे रखी है। अभी के लिए बस इतना रखो यार, तुम ज्यादा टेंशन मत लो, खाली वेलोसिटी लेके जाता है, एक्सेलरेशन लेके नहीं जाता है, बस ठीक है। ज्यादा दिमाग को ज्यादा वो लोड मत दो, सिंपल रखो। चलो चलो जाते रहो जाते रहो जाते रहो। क्वेश्चन काम धाम कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना भाई। मोशन अंडर ग्रेविटी खत्म हो गया, ठीक है? तो यहाँ तक की जितनी प्रॉब्लम है अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। लेके आ जाना अपने 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 डाउट लेकर आना। हाँ बोलो। नेक्स्ट टाइम क्या पढ़ाने वाले हो आप? नेक्स्ट टाइम मैं पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री। मतलब फिजिक्स में कौन सा पार्ट पढ़ाने वाले? उसके बाद क्या पार्ट है बताओ? ग्राफ है। मैं सोच रहा हूँ मैं वेरिएबल एक्सलेशन पढ़ाऊंगा, वेरिएबल एक्सलेशन पढ़ाऊंगा, लास्ट में पढ़ाऊंगा ग्राफ, ठीक है? हाँ सर, या फिर ग्राफ पढ़ा दूंगा, ठीक है? लेकिन प्रैक्टिस करना भाई, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, एक बता रहा हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में तुम्हारा सबसे टफ टॉपिक फिजिक्स है, अगले 4-5 महीने तक कुछ कर लो, 4-5 महीने तक फिजिक्स ही दिक्कत करेगा। और एक बार बन गई, एक बार बन गई तो आप 3 महीने बाद भी करोगे, 3 महीने बाद तक कुछ नहीं किया एक बार, लेकिन मैकेनिक्स तक समझ में आ गया आपको, 3 महीने तक छुओ मत, उसके अगले दिन भी आप प्रॉब्लम को कर जाओगे, कोई फॉर्मूला नहीं है भाई। और एक बार कॉन्सेप्ट दिमाग में घुस गए आप सही करोगे प्रॉब्लम को, मैथ के साथ नहीं होगी ना ही ये केमिस्ट्री के साथ बात आएगी, फिजिक्स के साथ एक बार बन गई मैकेनिक्स 11th वाली, 11th का आधा पार्ट, सब बेसिक है ये सब, कोई फॉर्मूला कहीं कुछ ऐसा नहीं लग रहा है, प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग है, एक बार लॉजिक क्रिएट हो गए, अंडरस्टैंडिंग बन लॉजिक है, 6-7 महीने बाद भी करोगे आप प्रॉब्लम बना ले जाओ। आपको क्या लगता है जितने आपने मैथ और फिजिक्स की फैकल्टी देखी होगी आईआईटी एनआईटी वाले, केमिस्ट्री की फैकल्टी बहुत कम मिलेगी आपको, सब एमएससी वाले होते हैं मैक्सिमम। तो गौर क्या है, मुझे तो फिजिक्स बहुत इजी लगता है कंपैरेटिवली केमिस्ट्री के, उल्टा मुझे केमिस्ट्री से भी ज्यादा फिजिक्स में मिलते। अरे तो ये गौर क्या जो मैं बात कर रहा हूँ कि आपको जो फैकल्टी मिलती है मैथ और फिजिक्स की फैकल्टी आपकी आईआईटी एनआईटी की हो सकती है, केमिस्ट्री की फैकल्टी जनरली एमएससी एमएससी, क्योंकि यार 4 साल बाद आपको क्या याद रहेगा, 4 साल ने मटर रस्ती की आदत रखी है कॉलेज में, आपने 11th 12th में मेहनत करी थी तो आप आईआईटी एनआईटी में पहुंचे हो, तो 4 साल बाद आपके यहाँ तो दिमाग में फिजिक्स रहेगी या मैथ रहेगी आपकी, मैथ भी लॉजिकल चलती है लेकिन मैथ में याद करने का है, फॉर्मूला याद करने के होते हैं एग्जाम के लिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन लॉजिकल है वो भी, तो उस पर लोग चॉइस करते हैं, कोई फिजिक्स लेता है कोई मैथ पढ़ाना चालू कर देता है। केमिस्ट्री तो बहुत ही रेयर, आपको बहुत ही कम आईआईटीएन एनआईटीएन मिलेंगे जो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। चलो बस बस निकलो, फटाफट निकलो, एंड कर रहा हूँ मीटिंग। चलो चलो, ओके सर, थैंक यू सर। हाँ बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया तुम लोगों ने, थैंक यू सर। हाँ चलो चलो।